सीतारा राधे श्याम राधे श्याम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे राम हरे राम हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hey.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हे सीताराम सीताराम हे सीताराम 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 हे सीताराम सीताराम हे सीताराम सीताराम हे सीताराम सीताराम हे राधे श्याम राधे श्याम हे सीताराम सीताराम हे राधे श्याम राधे श्याम श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो ओम अज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तभी हम रास्ते से आ रहे थे तो ललितपुर बताए थे कैसे यहाँ पर बहुत बड़े संत गुरु गोविंद गुरु गोविंद जी का ये स्थान है। यहाँ पर तो हमारी भारत की जो नगरी है ये संतों की नगरी है। किसकी नगरी है? ये बहुत पवित्र नगरी है और आप बगल में यहाँ पर उनका निवास स्थान था तो पुण्य भूमि है। तो वास्तविक में सच्चा धन तो इन्हीं के पास है। तो नानक जी उनके पास कोई भौतिक धन नहीं था लेकिन क्या था उनके पास? आध्यात्मिक धन। दो तरह के धन होते हैं, एक भौतिक और एक भौतिक धन इस शरीर के खत्म होने के बाद, लेकिन आध्यात्मिक धन आपके साथ साथ साथ।
कौन सा धन ज्यादा महत्वपूर्ण है, भौतिक क्या आध्यात्मिक? आध्यात्मिक, क्योंकि भौतिक धन हमेशा डर होता है, चोरी होने का क्या है, डर है। भौतिक धन में क्या है, चोरी होने का डर है कि नहीं? अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए, आप ट्रेन में लेके जा रहे हैं 2 करोड़ रुपया, क्या लगेगा आपको, क्या लगेगा, डर लगेगा। लेकिन आप भगवान का भक्ति रूपी धन लेके जाएंगे तो डर लगेगा। जंगल में आप अकेले भी रहेंगे लेकिन आपको डर। तो नानक पूरे भारत भर में क्या किए, भ्रमण किए। एक बार पाकिस्तान में थे, उस समय पाकिस्तान भारत में था, उसका नाम था लाहौर, जगह का क्या नाम था। तो लाहौर के बगल में जब हमारे नानक जी थे तो वहाँ एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे जिनका नाम था धुनी चंद जी। क्या नाम था, सुना है आपने नाम, धुनी चंद। करोड़पति थे, अरबों रुपए थे। तो धुनी चंद जी के बेटे का जन्मदिन था, तो धुनी चंद जी बहुत भव्य रूप से उत्सव बना रहे, सबको बुलाए थे, जितने भी लोग थे शहर में, आइए आप मेरे बेटे का जन्मदिन है, सबके लिए भोजन की व्यवस्था। किसी प्रकार से धुनी चंद को खबर मिली कि नानक जी हमारे शहर में आए हुए, कौन आए हुए हैं। तो उनकी इच्छा हो गई, अगर नानक जी भी हमारे घर में पांव रख देंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा और मंगल हो जाएगा, बच्चे का जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। तो खुद जाके बुलाने गए नानक जी को, नानक जी प्लीज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप चलिए थोड़ा। अब नानक जी सब चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत विनती करने लगा, प्लीज प्लीज। वो देखिए ये पैसा वाला आदमी है, केवल इसको भक्ति उक्ति से मतलब नहीं, केवल किससे मतलब है। तो जाने के लिए उत्सुक नहीं थे, लेकिन बार बार बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज महात्मा जी प्लीज प्लीज प्लीज। तो नानक जी बोले ठीक है। और जब रास्ते के बाहर आ रहे थे तो देखिए उसके बिल्डिंग के बाहर 7 झंडे थे। कितने झंडे थे, 7 झंडे। तो नानक जी पूछा, 7 झंडे क्यों लगा रखे हो, एक झंडा भी लगाते हैं बहुत लोग, तुम 7 क्यों लगाए। बोले महाराज जी सबसे तो झूठ बोलते हैं, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। सुना है साधु महात्माओं से झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपसे झूठ। बोले जब हमारे पास 1 करोड़ रुपया हो जाता ना तो एक झंडा लटकाए थे, जब 1 करोड़ रुपया हो जाता तो महात्मा जी ने पूछा इसका मतलब आपका 7 करोड़ रुपये। बोले महात्मा जी 8 करोड़ हो गए, कल झंडा लगा देंगे, रेडी है, आज आप आ गए तो आज लगाए नहीं। बोला वाह, तुम तो 8 करोड़ रुपये तुम्हारे पास, तुम्हारे तब तो तुम बहुत सुखी होगे। महात्मा जी सबको तो बोलते हैं सुखी है, लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, सुखी नहीं है। बोले मतलब इतना पैसा होके सुखी नहीं हो मतलब। बोले महात्मा जी क्या बताए, बगल में छगन सेठ है, कौन है, छगन सेठ के 11 झंडे हैं। छगन सेठ के क्या है आशीर्वाद दीजिए हमारे 12 हो जाए क्या दीजिए तो नानक जी तो पहुंचे हुए चीज, वो तो ये सब चीज से ऊपर थे। बोले ठीक है मैं आशीर्वाद दूंगा, 12 झंडे हो जाएंगे फिर सुखी हो जाओगे। सोचने लगा कि 12 झंडे हो जाएंगे। बोले महात्मा दे तो दीजिए बाद में सोचे, आप दे दीजिए बाद में हम। तो महात्मा ही सोचने लगे कि इसका बुड्ढी बड़ा मोटा है, समझे में नहीं आ रहा, इतना देर समझा रहा हूं लेकिन इसको कि पैसे से कोई सुखी नहीं हुआ, मैं समझाना चाहूं लेकिन इसको समझ में आ नहीं रहा। अब महात्मा जी का एक ही इच्छा, ये जो महात्मा होते हैं उनके मन में एक ही चिंता होती है, दूसरों का कैसे कल्याण। कोई कपड़े पहनने से महात्मा नहीं होता है, महात्मा एक चेतना का स्तर है। महात्मा
जिसकी महान आत्मा से जुड़ जाती है संपर्क, उसको बोलते हैं महात्मा। तो जिनका भगवान से संपर्क नहीं जुटा वो महात्मा कहलाने के लायक। और क्या प्रूफ है किसी का महात्मा से संपर्क जुट गया, किसका भगवान से संपर्क जुड़ गया है, क्या प्रूफ है? वो हर स्थिति में सुखी रहेगा। क्या रहेगा? अच्छा खाने दो तभी सुखी रहेगा, नहीं देंगे तभी सुखी रहेगा, हमेशा आनंद में। और दूसरों को वो प्रयास करेगा उस आनंद को बांटने का। अगर आप स्वस्थ हैं और कोई बेचारा रोगी है और आपको इलाज पता है, आप बीमार थे आप स्वस्थ हो गए बीमार दवाई लेके और किसी को देख रहे हैं बेचारा बीमारी से तड़प रहा है, तो आप उसको क्या देना चाहेंगे, दवा देना चाहेंगे कि नहीं? तो वैसे ही जिनका भगवान से रिश्ता जुड़ जाता है वो चाहते हैं दूसरों को भी भगवान से जोड़े। तो नारद जी बहुत चिंता करने लगे, कैसे इसको भगवान से जोड़ूं, ये तो एकदम पूरा लिप्त हो रखा है भौतिक चीजों में, कैमरा बनाने का जरूरत नहीं है रौनक, सुनो कथा, समझ रहे, ऑलरेडी बन रहा है, कॉपी पेन लाना के नोट्स बनाना चाहिए, ध्यान से सुनो क्या करना चाहिए, ये कैमरा रिकॉर्डिंग करने, फिर कैमरा में दिमाग लगेगा, सुनने में दिमाग, समझ रहे। इसलिए जहां तक संभव हो साधु के मुख से सुनना चाहिए। आजकल रिकॉर्डिंग ज्यादा करते हैं और दिमाग कम लगाते हैं। कैसी स्थिति थी कोटा में, एक लड़का सुसाइड कर दिया, उसका वीडियो बनाया गया लेकिन उसको बचाया नहीं, सच्ची घटना बता रहा, वीडियो है कि कूद रहा है सबके सामने और कोई उसको वीडियो बनाया लेकिन उसको बोला नहीं कि रुक जाओ। ये हमारे समाज के पत्थर बनते जा रहे हैं। सोचिए वीडियो, मैंने देखा अपने आंखों से वीडियो, बच्चा गिर रहा है, बच्चा गिरा मतलब फोटो बनाया ना बाबा, तो फोटो बना सकता है लेकिन उसको बोल नहीं सकता है। आपका बच्चा गिर रहा है और आप फोटो बनाएंगे, इसका मतलब हमको किसी से प्रेम नहीं, समझ रहे हैं? आ गया इधर आओ, उतना दूर से कैसे कर समझेगा तुम? हाँ आगे बैठो, इधर बैठो, क्योंकि हम आए आप लोग को मदद करने के लिए, समझ रहे हैं? और रियल मदद है आपको कथा सुनाना। कथा सुनने से मन के संशय खत्म हो जाते। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन सुनो असंशय, इससे आपके संशय सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दुनिया में दुख का कारण है अज्ञान। दुख का क्या कारण है? ज्ञान नहीं, अज्ञान। ज्ञान से तो दुख खत्म हो जाता है। जैसे अगर पूरा अंधेरा हो जाए अभी और फिर कोई यहां पर चले तो चेयर से गिर जाएगा, ये हो जाए, रोशनी आ जाएगी तो फिर डर लगेगा, रोशनी आ जाएगी तो डर लगेगा नहीं लगेगा? तो दुख का कारण क्या है? अंधकार, अज्ञान। बाइक चलाना जानते हैं आप? चला जानते हैं, वेरी गुड। तो बाइक से आप जा रहे हैं और लाल सिग्नल आ गया तो क्या करेंगे? हाँ अरे चला देंगे, 100 का स्पीड में तो जो आदमी को सिग्नल का ज्ञान नहीं है वो क्या करेगा? और फिर क्या आ जाएगा? चला घर वापे कहा जाएगा, अब बोलेगा चलान कैसे आ गया, हम तो एकदम सही से चला रहे थे। तो अगर आपको सिग्नल की जानकारी नहीं है और आपने सिग्नल तोड़ा है तो फाइन किसको लगेगा? आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोले गवर्नमेंट कैसा है, हम तो कुछ ठोके भी नहीं फिर काय के लिए फाइन लगा दी? तो गवर्नमेंट का सिस्टम अच्छा ही खराब है, हम ठोके नहीं फिर भी 1000 रुपये फाइन आ गया, सही है कि गलत? सही कैसे है?
क्या गलती की है, हम थोड़े ठोके किसी को। बोलिए रौनक जी, रूल से फायदा क्या, हम कोई ठोके थोड़ ना है, क्या फायदा हुआ। वेरी गुड, बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं, रूल के पीछे कुछ कारण होना चाहिए ना, रूल के पीछे कुछ कारण होना चाहिए ना। रूल के पीछे कारण नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। जैसे एक बार एक मंदिर था, उधर एक सेठ जी गए तो उन्होंने अपनी गाड़ी में चप्पल खोल दी। कहाँ खोल दी चप्पल, गाड़ी में खोल दी। फिर मंदिर में जब घुसे तो दरबान बोले, रुकिए कहाँ घुस रहे, क्या हो गया, बाहर पढ़े नहीं आप, रुलवा का लिखा ले। बोले का लिखा हुआ, आइए इधर आइए, कृपया चप्पल यहां उतारे। क्या लिखा हुआ, कृपया चप्पल, चप्पल किधर है आपका, गाड़ी में। चप्पल लेके आइए गाड़ी से और यहां खोली, तब जाके आपको घुसने। हमन बोला, अरे भैया हमें चप्पल गाड़ी में है ना, रूल तो रूल है भाई। क्या है रूल, तो चप्पलवा खोलना पड़ेगा यहीं पर, तब जाके आपको घुसने। सही रूल है कि नहीं। हाँ, तो सेठ जी क्या करेगा, चप्पल लेके आएगा गाड़ी से, वहां खोलेगा, है कि नहीं, सही करेगा गलत करेगा, बोलिए। हाँ, वो क्या करेगा, वो अपना गाड़ी लेके चला जाएगा, दर्शन नहीं करेगा, क्या फायदा। इसलिए रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल के पीछे का, किस लिए रूल बनाया गया, समझ रहे, रूल के पीछे का पाप कारण क्या है पता होना चाहिए। तो रूल क्यों बनाया गया, कृपया चप्पल यहां खोले, इसका क्या रूल का मतलब क्या है, कृपया चप्पल यहां उतारे, कृपया जूता यहां उतारे का रूल का क्या मतलब है, नहीं समझ रहे आप लोग। मैं आपको समझाना चाहूँ, समझ में आ रहा है, नियम लिखा हुआ, कृपया जूता यहाँ उतारे, इसका मतलब क्या है। यस हरी बो, वेरी गुड, क्या नाम है तेरा, रिया, तो वेरी गुड पॉइंट। रूल ये नहीं है कि जूता चप्पल वहां उतारना, रूल ये है कि गंदगी अंदर नहीं ले जानी, जूता गंदा होता है अंदर नहीं। मेन रूल ये है कि मंदिर को गंदा नहीं करना, समझ रहे, मेन रूल क्या है, रूल के पीछे सार क्या है, कि मंदिर साफ रखना, समझ रहे, मेन रूल है कि मंदिर साफ रखना है, इसलिए जूता बाहर खोल दी, समझ रहे। लेकिन अब बेचारा कोई आदमी जूता अंदर ही छोड़ के आया गाड़ी में, कि वहां खोलने में जगह मिले नहीं मिले, तो उसको क्या वापस लेके आने की जरूरत है क्या। तो जिसको सार पता है, समझ रहे हैं, जिसको सार पता है वो क्या करेगा, भ्रमित नहीं होगा, समझ रहे हैं। कथा सुनो ना रिया, क्या कर रही है, तो उसको लगा दो चुपचाप, डिस्टर्ब होता है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है हम लोग का, फिर वीडियो कॉल में पूरा एनर्जी जाएगा, वीडियो कॉल से कथा समझ में नहीं आता है, समझ रहे हैं। कथा के लिए डायरेक्ट आना चाहिए, उसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारा। हाँ, उसको बाद में, हमारा कथा टाइम लगाना पड़ता है, तब धीरे धीरे समझ में आएगा, इतना हड़बड़ा के समझ में। तो नियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नियम के पीछे का कारण। आज भारत में रीति रिवाज ज्यादा पालन होती है और नियम के पीछे कारण ज्यादा लोग जानते, यही कारण है आज धर्म में हानि आने का, क्योंकि लोगों को नियम धर्म के पीछे का कारण पता
तो जब कारण पता नहीं होता है तो आदमी श्रद्धा खत्म हो जाती है। अब मान लीजिए वो सेठ जी आए, मंदिर जाना चाहते हैं, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दे रहा है कि जूता लेके आओ, तो बेचारे की श्रद्धा खत्म हुई। क्या नियम है यार, इतना दूर से फिर जूता लेके आऊं मैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए जीवन में हमें कोई भी चीज करे तो नियम के पीछे का कारण पता। तो सिग्नल में, लाल सिग्नल में रुकने का कारण क्या है? लाल सिग्नल हो फिर रुकना क्यों चाहिए? हाँ, वेरी गुड। अगर लाल सिग्नल में आप कोई स्पीड में चला जाए, उधर से भी कोई आ जाए, इधर से 100 का स्पीड में कोई जा रहा है, उधर से भी 100 का स्पीड में कोई आ रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसे लाल सिग्नल एक तरफ, ग्रीन सिग्नल है तो भाई कितनी भी स्पीड में गाड़ी आएगी रुक जाएगी, तो एक्सीडेंट होगा नहीं। एक्सीडेंट क्या होगा? देखो, आप समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो नियम है किसके अच्छे के लिए? हम लोग के अच्छे। जब उसका कारण पता होगा तो हमको पता चलेगा कि अच्छी चीज है। लेकिन कारण नहीं पता होगा तो आप बोलेंगे अरे क्या यार, बार बार रोकवा देता है हर आधा किलोमीटर में सिग्नल सिग्नल। लेकिन वो हमारे लिए जरूरी है। वो हमारे लिए क्या है? उससे हमारी दुर्घटना, समझ रहे हैं? नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी, जल्दी पहुंचने के चक्कर में कभी पहुंचेंगे नहीं। वैसे ईश्वर की सृष्टि में इतने सारे जो नियम हैं हमारी भलाई के लिए। किसकी भलाई के लिए? ईश्वर जो भी करते हमारी भलाई के लिए। लेकिन आज दुर्भाग्यवश लोगों को भगवान के नियमों का जानकारी, और जानकारी है तो उसके पीछे कारण की जानकारी नहीं। इसलिए आजकल छोटे बच्चों से पूछते, बच्चे एग्जाम वृंदावन में था, तो वृंदावन में था तो 12-13 सौ लोग आए थे यात्रा में, तो सब लोग जाने के पहले मेरे से आशीर्वाद ले रहे थे। तो एक फैमिली आई, उनकी छोटी बच्ची थी, तो मेरे पास वृंदावन का पेड़ा था तो मैंने छोटे बच्चे को दिया कि लो भगवान का प्रसाद, लो तो पेड़ा, लो पेड़ा खाएगी। तो वो तो नहीं ले रही थी, तो उसकी माँ डांटने लगे, प्रभु जी के यहाँ से लो प्रसाद है। तो मैं थोड़ा हंसने लगा, मैं बोला 5 स्टार खाएगी, क्या खाएगी? तो 5 स्टार खाएगा? हाँ, क्या खाएगा? 5 स्टार खाएगा, लेकिन पेड़ा। आजकल का बच्चा क्या खाना चाहता है? 5 स्टार किट कैट। क्या खाएंगे हम? किट कैट, डेरी मिल्क। और बोलेंगे पेड़ा। तो पेड़ा अच्छा है कि डेरी मिल्क अच्छा है? बोलिए जो मन में आए बोलिए। हाँ पक्का, श्योर पेड़ा मिलेगा? 5 स्टार मिलेगा, क्या खाएगा? पेड़ा, बहुत अच्छी बात। 90% बच्चे आजकल क्या प्रिफर करेगा? आजकल 90% बच्चा क्या प्रिफर, क्या चॉइस करेगा? पेड़ा या चॉकलेट? चॉकलेट। जबकि अच्छा क्या है? अच्छा पेड़ा, लेकिन 90% बच्चा क्या प्रिफर, क्या खाना चाहेगा? इसका मतलब हमारे समाज में अज्ञान फैल गया। क्या फैल गया? तो हमारे बच्चे क्यों चॉकलेट खाएंगे? जब पेड़ा अच्छा है तो चॉकलेट क्यों खाएंगे? इसका मतलब हमारे बच्चों में जाने अनजाने में अज्ञान फैल रहा है कि नहीं फैल रहा? मतलब हमारे समाज में ऐसा अज्ञान है कि जाने अनजाने में हमारे बच्चे, आज अगर 5 साल के अगर 1,000 बच्चे लिया जाए, समझो उनसे पूछा जाए बेटा या बेटी 5 स्टार खाएगी या पेड़ा खाएगी, तो 900 से ऊपर वोट आएंगे किसके? 5 स्टार। छोटा 5 साल का बच्चा अभी तक स्कूल भी नहीं गया, लेकिन अभी भी 900 लोग वोट देंगे किसके लिए? 5 स्टार। तो कहाँ से 5 स्टार आ गया उनके मन में? 5 स्टार कहाँ से आ गया उनके मन में? इसका मतलब हमने अपने समाज में अज्ञान फैला दिया। क्या फैला दिया है?
समझ रहे हैं? जाने अनजाने में हमारे समाज में क्या आ गया है। आज ट्रेन में जाइए, मैं गुवाहाटी में, मेरा प्रोग्राम था मेघालय में, तो मैं फ्लाइट से जब उतरा तो मैं देखा इतनी बड़ी दुकान, जैसे अभी इतना सुंदर मैरिज हॉल है वैसे वहाँ एक सुंदर दुकान थी, एकदम बड़ी, बहुत ही सुंदर लगी, चमक रही थी एकदम, इंटीरियर डेकोरेशन इससे भी चार गुना बढ़िया था एकदम, बहुत सुंदर, एकदम ग्लास एकदम चमक रहे थे, बहुत अच्छा, समझ रहे? और मैं देखा उधर लाल हरी बुल्ली बॉटल्स थी, और ऊपर दुकान का नाम लिखा हुआ था अंग्रेजी में, हाउस ऑफ एलेक्सिर, एलेक्सिर मतलब अमृत, एलेक्सिर का मतलब अमृत, मतलब अमृतालय क्या था नाम, और बिक रहा था क्या अमृतालय, इतना सुंदर लग रहा था एकदम, और बिक रहा था वहां दारू। अमृतालय में क्या बिक रहा था, हमारे पास फोटो है, अमृतालय में क्या बेच रहा है, सच्ची घटना बता रहा हूं, मुझे तो मन क्या फोड़ दो। और एक बोतल का रेट, मतलब बहुत सारे बॉटल्स थे, 14,800, 20,200, एक लीटर का कितना रेट, 20,000, 25,000, और नाम क्या लिखा है, अमृतालय, क्या लिखा है, अमृत है क्या, और क्या लिखा होता आपको याद नहीं आ रहा मुझे, द रॉयल चैलेंज लिखा हुआ है कि है दम तो पी के दिखाओ, और क्या लिखा था, हाँ, टेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन एवरी सिप, घूट घूट में उत्तर पूरब का टेस्ट, मतलब हम लोग नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है, मतलब गेटवे है, समझ रहे हैं? तो आप आए यहाँ पर तो यहाँ का क्या कीजिए, आप घुट घुट में टेस्ट लीजिए, और एक एक घुट का रेट है 10,000 रुपया। तो आज बताइए हमारे समाज में कहाँ से आ रहा है सब, कौन कारण है? सच्ची बात बता रहा हूँ गलत बात बता रहा हूँ मैं? हाँ, मैं फ्लाइट में उठा तो पता नहीं सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश, जाते समय भी और आते समय मेरे बगल में जो बैठा था उसने सैंडविच का ऑर्डर किया। किसका ऑर्डर किया? तो मैं बोला ठीक है, तो एयर होस्टेस लाके दे रही थी, तो मैं देखा पेमेंट करते समय उसने 500 का नोट दिया। बोला 500 का नोट दिया, सैंडविच कितना, 5 रुपये में आता है, 10 रुपये में आता है, कितने का आएगा, 20 रुपये का आएगा, इतना छोटा सैंडविच कितने का आएगा, 5 रुपये, 10, समोसा कितने में आता है, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, कितना समोसा कितना रेट है, 8 रुपया। अच्छा ठीक है 10 रुपया यार, अच्छा ठीक है 15 कर दीजिए, 50 रुपया, ठीक है 50 से तो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब इतना छोटा सैंडविच मैं देखा कितना रेट, तो 500 का नोट दिया और वापिस दी 150, तो मेरा हार्ट अटैक आ गया, 150 मतलब कितना, तो मैं समझ में नहीं आया, 350 रुपया, तो मैं से रहा नहीं गया, पूछ लिया कि कितना लिया, तो बोला 350। मेरा तो क्या हो गया कि इतनी छोटी सी सैंडविच, समझ रहे, इससे भी छोटी, समझ, इसकी भी आधी पैक की भी, एक डब्बे में कम से कम 15 दिन पुराना डब्बा होगा, एयरपोर्ट में तो नहीं पैक किया, तो कहीं कंपनी से लाया, तो कम से कम 15 दिन की बासी, और रेट कितना, 350। कितना रेट बोला, 350। और वो घटिया है जो 10-15 दिन की सड़ी हुई, अब ब्रेड को 10-15 दिन खा पाएंगे पुरानी, उसमें कुछ केमिकल वोल कर मार मार के उसको सॉफ्ट किया, समझ रहे? तो वो क्या अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, तो उसको क्या मानते लोग, स्टेटस सिंबल। जब मैं छोटा बच्चा था तो हम लोग का बर्थडे होगा या पापा का एनिवर्सरी होगा या कुछ होगा, तो उस दिन होटल ले जाया जाएगा, कहाँ ले जाया जाएगा, आज कहाँ जाएंगे,
गाड़ी से होटल जाना है, कपड़ा वपड़ा पहन गया। और होटल में क्या क्या खाएंगे? खरीद के खाएंगे। क्या खाएंगे, क्या खाना है जाके, समझ रहे? 60 रुपया में इतना सा, 2000 की बात, मतलब 30 साल पहले की बात, समझ रहे? और खरीद के इतना सब्जी का 100 रुपया 200 रुपया है कि नहीं? वो आपको किस लिए खिला रहा है? तो खरीद के खाना अच्छा है या घर में मम्मी प्रेम से बनाएगी वो अच्छा है? खरीद के पैसा होटल में हो जाए, है कि नहीं? लेकिन आज समाज में लोग क्या प्रिफर करते हैं, होटल में खाना ही घर में खाना? क्या आज होटल जा रहे हो? क्या सही बोल रहा गलत बोल रहा हूं? ज्यादातर लोग आज होटल में खाना प्रिफर करते हैं, समझ रहे हैं? घर में मम्मी बोली राइस दाल सब्जी, बाजार में पुचका टिकिया अचार आइसक्रीम चोकोबार कॉर्नेटो टोमेटो झोमेटो। और घर में प्रेम से बनाया जाएगा, पहले जमाने में लोग घर के बाहर कभी नहीं खाते थे, हमारे दादाजी लोग पापा लोग भी घर के बाहर जाएंगे तो बाजार का नहीं खाएंगे, घर से बना के ले जाएंगे। और आज उल्टा हो गया, आज क्या हो गया है, घर में खाना ही नहीं पसंद करते। और आज क्या हो गया है, हाँ तो हमें संस्कृति विकसित हो रही है कि दुर्गति हो रही है? बोलिए आप लोग, संस्कृति का विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है, आप ही बताइए। चॉकलेट खाना ज्यादा विकसित है कि पेड़ा खाना विकसित है? लेकिन लोग क्या पसंद कर रहे हैं, समझ रहे हैं? कहां से हो रहा है सब? कारण है हम लोग खुद। गलती नहीं, गलती बच्चों की नहीं है, गलती हम लोग की है, समझ रहे हैं? अभी मेघालय गया मैं, वहाँ 50-60 छोटे बच्चे थे, मैंने उनका क्लास लिया। तो मैंने बच्चों से पूछा चॉकलेट खाओगे कि पेड़ा खाओगे, सब बोले चॉकलेट खाएंगे। मंदिर में प्रोग्राम लिया था, वहाँ पर एक कंपनी है वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए, तो छोटे बच्चे थे, सबने बोला क्या पसंद करते हम लोग, 90% लोग चॉकलेट। बोला देखो बच्चों चॉकलेट खाओगे तो मज़ा तो आएगा अभी, मज़ा तो अभी, लेकिन 25-30 साल बाद बात क्या होगा, आपके दांत सब कमजोर हो जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन पेड़ा खाओगे तो आपके दांत कमजोर, चॉकलेट खाओगे तो 25-30-40 साल में सब दांत झड़ने, लेकिन पेड़ा खाओगे तो झड़ेंगे। मैंने सब बताया कैसे भगवान कैसे क्या होगा, फिर मैंने सब पूछा कि आप लोग पेड़ा खाओगे कि चॉकलेट, पेड़ा खाएंगे। जब समझाया गया तो बच्चे क्या बोले, क्या खाएंगे? अब माँ बाप से बोलते हैं नहीं कि बेटा क्या खाना है, पेड़ा खाना है, लेकिन समझाते नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आता है, कोई भी चीज को समझाना पड़ेगा ना, कोई आदमी मूर्ख नहीं बैठा है। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, बच्चों को भी बुद्धि दी है, लेकिन हम उनको समझाते ही नहीं क्योंकि हमको खुद ही समझ में नहीं आता है। सब माँ बाप अपने बच्चों को बोले जल्दी उठ जाओ, सो क्यों जल्दी उठना ही नहीं बताएंगे, नहीं उठ जाओ। अरे भाई पहले बताइए तो क्यों जल्दी उठना चाहिए, बेटा नहा लो, क्यों नहाना चाहिए नहीं जानते।
तो गलती किसकी है, बच्चों की कि हम लोग की? हाँ नहीं, क्यों आप नहीं बता रहे क्यों नहाना चाहिए? हाँ हाँ कैसे बताइए, मेरा डाउट सॉल्व कीजिए। जब तक आप रीजन नहीं दोगे तब तक मैं क्यों करूं, उसके स्तर पे जाके उत्तर देना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम क्या है आजकल के माँ बाप का कि बस बोलेंगे करो, लेकिन क्यों करो नहीं बोलेंगे। घर में खाना खाओ, नहीं होटल में क्यों नहीं खाओ नहीं जानते, हम खुद ही नहीं जानते तो क्या समझाएंगे बच्चों को। पहले हमें तो पता होना चाहिए ना। अगर मैं आपको बोलूं कोई चीज कि देखिए ऐसे ऐसे करना है, अभी मैं एक जगह प्रोग्राम कर रहा था सुबह, तो उधर एक व्यक्ति कि माँ बोल रही मेरे बेटे को बोलिए रोज जप करेगा जब, हम ऐसा नहीं बोलते, हम बताते क्यों करना चाहिए, फिर इच्छा होगी तो करेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति लोगों को समझाते हैं। आप बोलते हैं बच्चों को बेटा सुबह उठो पूजा करो, लेकिन क्यों पूजा करें? हम अगरबत्ती दिखा रहे क्यों दिखा, दीप दिखा रहे क्यों दिखा, बताइए। हम अगर धूप दिखाते दीप अगरबत्ती दिखाते दिखाते ना, तो क्यों दिखानी चाहिए? उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहां से ट्रेन पकड़ के दिल्ली चले जाओ, लेकिन मैं ये नहीं बताऊं क्यों जाओ, ए लड़की मैं कथा दे तो मुझसे बात करो, इधर उधर क्यों बात करी, बीच में कथा के बात नहीं करते, कुछ क्वेश्चन दो हाथ खड़ा करो मुझसे पूछो, हम उत्तर देंगे ना आपको, समझ रहे? डिस्टर्ब होता है ना, ए छोटा बच्चा ऐसे हिलो डुलो मत, डिस्टर्ब होता है, शांति से बैठने बोलिए तो, समझ रहे? क्योंकि छोटे बच्चे डिस्टर्बेंस होते हैं हमको, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, समझ रहे? कोई मजाक नहीं चल रहा, तो शांति से बैठ सकते तो बैठाओ नहीं तो उसको थोड़ा खेलने भेजो, समझ रहे? क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होता है ना। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, आज भारत में हर घर में सब पूजा करते, हमारे घर में मम्मी बोलेगी बेटा पूजा करो, क्यों पूजा करो नहीं बताएगी। अब हमने IIT किया, हम पूछेंगे हमको पढ़ाई करेंगे ज्यादा अच्छा लग रहा है, पूजा करके क्या मिलेगा? आप बस बोलेंगे पूजा करो, क्या करो एक अगरबत्ती दिखा दो, और वही जिसको अगरबत्ती दिखा रहे उधर छिपकली भी घूम रहा है, और लड़का बोलेगा अरे इनका पूजा करे, हाँ इनको तो चूहा काट दिया है, वो अब चूहा से तो रक्षा नहीं कर पाए, हमारा रखा करेंगे। अरे दो चार साल करेगा छुटवा में, फिर तो उसके बाद बाय बाय, हमको नहीं करना। तो पूजा करके देखता, अरे पूजा घर में तो अगर छिपकली भी घूम रहा भगवान के ऊपर, इसमें भगवान है? आप लोग यहां माला पहनाए अगरबत्ती दिखाते, भगवान है क्या? बोलिए भगवान है? अब आप नहीं बोल पाते तो फिर आपका बच्चा कैसे भक्ति करेगा, कभी नहीं करेगा। तो आप ही बताइए, आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा भक्ति करे, मान लीजिए मैं आपका लड़का हूं, ठीक है आप मेरी माँ है, ठीक है मैं बोलता आप मेरे बेटा रोज अगरबत्ती दिखाओ, ठीक है तो मैं रोज अगरबत्ती दिखाने लगा, और मैं देखता हूँ छिपकली भी घूम रहा है और चूहा भी फोटो काट दिया है, तो मैं पूछता हूँ मम्मी अरे चूहा काट दिया भगवान को तेरा, इसी भगवान को पूजा करने बोल रही है क्या तुम? तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या इस तस्वीर में भगवान है कि नहीं है? अच्छा मान लिए भगवान है, तो चूहा काटा उसका क्या करोगी? भगवान को चूहा काट लिया क्या? मान ले चूहा काट लिया भगवान को, जो चूहा काटा वो
तो फिर फोटो फोटो रखने का फायदा क्या हुआ? बोलिए, बोलो रिया। तो भगवान को तुम चेंज कर दोगे, अच्छी बात है इसमें, लेकिन भगवान है जो काटा, तो भगवान कटे गए थे क्या? तो कौन कटा था? तो भगवान थे कि नहीं थे उसमें? भगवान थे उसमें तो कटा कौन? तो काटा चूहा काटा तो किसको काटा? हाँ, तो जो जो चूहा काटा है किसको काटा है? बोलो रौनक, जिसको हम पूजा करें मेरी रक्षा करो, वो अपना रक्षा नहीं कर पा रहा है। क्या उत्तर देंगे बोलिए? अगर आपका बेटा बोलता मम्मी पापा किसका पूजा करने बोल रहे हैं, चूहा तो उसको काट लिया, नहा धोके करना बेटा, जाड़ा में नहाना पड़ेगा, मम्मी तुम ही कर लो। किसकी गलती है, किसकी गलती है बोलिए? तो ये तस्वीर में भगवान है कि कण कण में भगवान है? तो इस तस्वीर की पूजा क्यों करें? तो आप बोल रहे हैं केवल ये है नहीं वास्तविकता में, मन में धारण करने के लिए सिर्फ। गजब है भाई, इसी में है ना। अच्छा, वेरी गुड। अब आप डाउट आने लगा आपको, वेरी गुड। तो वही बोल रहा हूं कि अभी अभी वेरी गुड। तो माता जी बता रही सही पॉइंट है कि हमारे मन में तो है, लेकिन यहाँ पर है तो हम श्योर नहीं है, है कि नहीं? तो जब हम श्योर नहीं, तो हम दूसरों को कैसे श्योर करेंगे कि तुम भी इसका पूजा करो? जब हम ही श्योर नहीं है तो हम दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे? तो पॉइंट है कि हमको सही से विज्ञान पता नहीं है, इसको मानना पड़ेगा कि हम लोग पूजा पाठ करें लेकिन सही से जानकारी हमको, जैसे मैंने मान लीजिए IIT किया, मुझे सही से जानकारी है मैथ्स की फिजिक्स की, मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं सही तो मैं कैसे बताऊंगा किसी? आज मुझसे कोई कैलकुलस सीखेगा मैं सिखा दूंगा उसको, क्योंकि मुझे सही से आता है, मैंने ओलंपियाड किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे सिखाऊंगा? आपने हलवा बनाया है? हाँ, बनाया कि नहीं? तो आप दूसरों को सिखा सकते हैं कि नहीं? सिखा सकते हैं, समझ रहे? नहीं, जिसने बनाया नहीं वो कैसे सिखाएगा? क्योंकि आपने बनाया बना, वैसे ही आपको भगवान की जानकारी सही से नहीं है। क्या तो मन में है, शायद शायद यहाँ है, शायद नहीं है। शायद मतलब शायद थोड़ा सा सूजी ले लेना, शायद घी में थोड़ा फ्राई कर लेना, शायद शायद ऐसे थोड़े ना बोलेंगे। जब आपको आता है हलवा बनाना, आप बोलेंगे देखो ऐसे घी लेना, थोड़ा गर्म करना, उसमें सूजी डालना, जब थोड़ा सा पक जाए, लाल होने लगे, तब पे पानी मिलाना, आप जैसा बता दोगे। तो आपको पता है ना बाबा? पूछेगा मम्मी चीनी किधर है? बेटा किचन के तीसरे रैक के दूसरे नंबर डब्बे में खोल मिल जाएगी। क्या बोल? शायद शायद थोड़े ना बोलते, हमको पता है कहाँ है। जिस प्रकार से हमें किचन की जानकारी, जिस प्रकार से हमें अपने कुकिंग की जानकारी, उस प्रकार से हमें भगवान की जानकारी नहीं है।
है क्या? कारण है कि हम लोग आजकल गीता नहीं पढ़ रहे। क्या नहीं पढ़ रहे हैं? कितने लोग गीता के सब श्लोक याद है? छोटी सी गीता है, समझ रहे हैं, 700 श्लोक है, कितने लोग को याद है? आपको गीता छोटी सी पुस्तक है, ये हमारे भारत के सबको मुखस्थ थी पहले। आज कितने लोग को याद है? याद ही नहीं है लोग। तो जब हमें अपना मैनुअल पता नहीं होगा, समझ रहे हैं, तो हम कैसे दूसरों को ट्रेन करेंगे? इसको सही से कोई सीख जाएगा, उसको पूरी जानकारी हो जाएगी, वो किसी को भी ट्रेन कर सकता है। घर घर में आज अगरबत्ती दिखाई जाती है कि नहीं? शंख बजाया जाता है, अगरबत्ती दीप, कितने लोग घर में कभी ना कभी अगरबत्ती जलती है? जलती है कि नहीं? हाथ उठाई। ऐसा कोई घर नहीं जलती है, सबके घर में जलती है कि नहीं? दीप दिखाए कि नहीं कभी ना कभी भगवान को? कितने लोग दिखाए? सब दिखाए होंगे, है कि नहीं? नहीं, हम आप पूछेंगे क्यों दिखाते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं? बजाना चाहिए, बजाना क्यों बजाना चाहिए? नहीं, पूजा तो करना ही चाहिए ना, भगवान भगवान भगवान। तो इसकी सही से जानकारी नहीं। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? जब तक थ्योरी नहीं जानेंगे, प्रैक्टिकल कर पाएंगे? अगर आपने स्कूल में पढ़ाई की, तो थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल होता है। अब थ्योरी जानोगे नहीं तो प्रैक्टिकल सही से होगा? थ्योरी नहीं जानेगा तो प्रैक्टिकल सही से कर पाएगा? तो इसमें थ्योरी का पूरा ज्ञान है, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा रिश्ता क्या है, प्रकृति कैसे काम करती, इसकी जानकारी नहीं होने के कारण आज क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा समाज में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं, अगर कोई थ्योरी नहीं जानेगा और केवल प्रैक्टिकल करेगा तो प्रॉब्लम में फंस जाएगा। जैसे एक बार एक डॉक्टर थे, जानवरों के डॉक्टर थे। किसके डॉक्टर थे? वेटरनरी डॉक्टर। तो ये जो डॉक्टर थे जानवर के, एक बार उनके क्लिनिक में एक आदमी का घोड़ा बीमार हो गया था। क्या बीमार हो गया था? घोड़ा। तो घोड़ा गला फूल गया था, तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर की फीस थी 1000 रुपये। कितनी फीस थी? तो डॉक्टर ने दिखाया, बोले दिखाइए घोड़ा, गला फूला हुआ था। देखा, और डॉक्टर ने ऐसा क्या किया, उसके हाथ में एक हथौड़ा था, ऐसे मारा, घोड़ा एकदम अचेतन अवस्था में था। और जैसे ही मारा, घोड़ा एकदम खड़ा हो गया। बोला, वाह डॉक्टर साहब, ठीक कर दिया, 1000 रुपया। कंपाउंडर बोला, गजब है यार, एक हथौड़ा मारने का डॉक्टर कितना ले लिया? 1000। कंपाउंडर खुश हो गया, अच्छी बात। अगले दिन 11:30 बजे एक और पेशेंट आया, उसका भी घोड़े का गला फुला हुआ था। तो कंपाउंडर देखा, अरे कल जैसा ही है। कैसा है? कल जैसा ही है। तो डॉक्टर साहब 12 बजे आने वाले थे, कितने बजे आने वाले थे डॉक्टर साहब? 1/2 घंटा समय था। कंपाउंडर बोला, देखिए हम भी इलाज करना जानते हैं, हम भी इलाज करना, कल देखे थे हम भी, हम 500 में कर देंगे। कितना में कर देंगे? बोला, हाँ पक्का? बोला, अरे कल ही तो हम देखे। ठीक है कर दो भाई, डॉक्टर साहब आएंगे तो 1000 लेंगे हम, कौन सा बढ़िया है, 1000 की 500? अरे 500 में ठीक कर देगा, वही चीज मिले कम दामों में तो कोई ज्यादा क्यों ले, समझ रहे? तो उसने बोला, ठीक है कर दो। ठीक, तो उसने भी अपना हथौड़ा लिया डॉक्टर वाला, ऐसे ऐसे घुमा, घोड़े के बगल में गया, उसका गला ऐसे किया, मारा जोर से टुम, और जैसे मारा घोड़ा गिर के मर गया। जब घोड़ा मर गया तो परेशान हो गया यार, डॉक्टर मारा तो जीवित हो गया था, हम मारे तो। और वो आदमी चिल्लाने लगा, अरे क्या क्या मेरा घोड़ा को मार दिया पगलवा, हम तो छोड़ेगा नहीं, 50,000 रुपये फाइन करेगा, ये करेगा। तब तक डॉक्टर आया, बोले क्या हो गया, क्या हल्ला गुल्ला?
डॉक्टर साहब क्या करे, कल आप घोड़ा आया था उसको मारे तो ठीक हो गया था? हाँ मारे तो मर गया। बोला कहाँ है घोड़ा दिखाओ। तो देखा, बोला अरे पागल, कल जो घोड़ा आया था ना उसके गले में तरबूज अटक गया था, तो हम मारे तो तरबूज अंदर चला गया तो ठीक हो गया। लेकिन आज जो घोड़ा आया उसका गला में कफ था, तो तुम मारा तो बेचारा राम नाम सत्य। तो इसीलिए केवल बाहरी रूप से हथौड़ा मारने से नहीं होगा, अंदर का चीज भी जानना। तो अंदर चीजों की जानकारी कहाँ से होगी? वो डॉक्टर जो है उसने चूंकि 20 साल पढ़ाई किया तो उसको पता है अंदर में क्या है। कंपाउंडर पढ़ाई नहीं किया तो सब चीज एक है, काला अक्षर भैंस भरा। जैसे हमने कंप्यूटर पढ़ाई किया है तो हम दो चार ठो लाइन लिखेंगे, जब कंपनी में काम करते थे तो हमको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। दो चार घंटा कुछ लिखने से हमको क्या मिल जाएगा? और मेरा मम्मी को कुछ लिख पाएगा? मेरा मम्मी के लिए क्या है? काला अक्षर। तो हम 2-4 लाइन लिखेंगे क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपया मिल जाएगा। मेरा मम्मी भी ऐसे ऐसे करेगा तो होगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा उसको, क्योंकि हम कुछ ऐसा करें हमको दिख रहा है, हम यहाँ पर टाइप करें और अमेरिका में उससे काम। क्यों हमको, हमको क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने 20 साल तपस्या किया, हमने 20 साल कंप्यूटर कोडिंग वोडिंग किया, तो हमको हमको दिख रहा है, माँ को नहीं दिख रहा है। आप समझ रहे हैं? तो वैसे ही जो आदमी गीता पढ़ेंगे उनको समझ में आता है कि पूजा क्यों करते हैं क्या नहीं करते, और सही समझा देगा क्यों होता है कैसे होता है और क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जिसको आइडिया नहीं उसके लिए सब इसीलिए हर व्यक्ति को क्या पढ़नी चाहिए? भगवत गीता ध्यानपूर्वक गुरु के निर्देशन। दुर्भाग्यपूर्वक आज गुरु केवल कोई भी गुरु जल्दी 90% गुरु आज से पैसा कमाते हैं। गुरु का करते हैं हमें दिव्य ज्ञान देना। दीक्षा का मतलब दिक्षति, समझ रहे? दिक जो दिव्य ज्ञान हमें दे और उसके द्वारा हमारे क्षप्यति पापों को हर ले, तब जाके वो दीक्षा कहलाते। नहीं तो आज बस कहीं पर भी जाइए गुरुजी दीक्षा देते और फिर गुरुजी से कोई मतलब ही नहीं। गुरुजी का कर्तव्य होता है हमें क्या देना? रेगुलर बेसिस पे शिक्षा देना। क्या देना? अगर गुरु शिक्षा नहीं देते हैं तो ऐसी दीक्षा कोई लाभ? स्कूल में एडमिशन ले लिए और स्कूल वाला पढ़ाता ही नहीं तो एडमिशन का क्या लाभ? स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया, बच्चे का एडमिशन करा दिया और पढ़ाता ही नहीं कभी, तो फिर पैसा एडमिशन, उसको एडमिशन बोलेंगे? नहीं हमारा फलाना स्कूल में एडमिशन हो गया, लेकिन पढ़ाई ही नहीं करता तो फिर एडमिशन का फायदा क्या हो? कुछ हुआ तो बताइए। इसलिए गुरु हमें क्या देंगे? दिव्य ज्ञान देंगे। नहीं दे रहे तो गुरु का कोई गुरु बोलने का फायदा नहीं। और आज 90% भारत में दीक्षाएं होती हैं और कोई शिक्षा नहीं होती, और लोग सोचते हैं दीक्षा से अपने आप कोई अपने आप कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। स्कूल में एडमिशन लेने से अपने आप टॉप कर जाएगा कि पढ़ना पड़ेगा? स्कूल में एडमिशन लेने से अपने आप हो जाएगा? तो वैसे ही दीक्षा से कुछ नहीं होता है जब तक आपको गुरु शिक्षा नहीं। दुर्भाग्यवश आजकल 90% गुरु शिक्षा नहीं देते, उनको शिष्यों से मतलब ही नहीं। इसके कारण आज क्या हो रहा है? समाज में पतन होते जा रहा है। इसलिए शिष्यों से पूछिए, शिष्य आजकल लोभी हो गए, बस गुरुजी बस आशीर्वाद दिए, क्या चाहिए उनको? आज हम घूमते रहते इतने लोग मिलते बस किस लिए? आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हम बोलते हैं हम ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हो, आशीर्वाद नहीं, और उसको पालन करेंगे तो ऊपर अपने आप उड़ जाएंगे। हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, जैसे स्कूल में एडमिशन ले लिया, बच्चा पढ़ाई करेगा तो अपने आप टॉप कर जाएगा।
गुरु जी का आशीर्वाद एक क्लास दे रहे हो, उसको सीखिए अच्छे से, अपने आप उसको पालन कीजिए अपने आप। तो हर गुरु का कर्तव्य अपने शिष्यों को दिव्य ग्रंथों का ज्ञान दे। सभी ग्रंथों में सार है भगवत। इसमें सब ज्ञान है, आपके जितने प्रश्न है सबका उत्तर इसे एक बुक में। और इसकी जानकारी आज नहीं, इसी कारण आज समाज में पाप हो रहा है, समझ रहे। पूजा सब लोग कर रहे हैं लेकिन गीता ही नहीं जानते, ऐसी पूजा है क्या ला। तो मैं आपको गीता का एक श्लोक सिखा रहा हूं, मेरे पीछे बोलिए, सीखना चाहते तो बोलिए हरि वो। तो एक दो श्लोक मैं आपको सिखाऊंगा और देखिएगा कितना लाभ होगा। बोलिए, श्री भगवान वाच, अहम सर्वस्य प्रभव, मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा, बुधा भाव समन्विता। तो भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभव, मुझसे सब कुछ आ रही है। सब कुछ किससे आ रही है? मत्तः हम सर्वस्य प्रभव, मुझसे सब कुछ। तो यह चीज का जिसको ज्ञान हो जाता है कि सब चीज के स्रोत कौन है, भगवान। इति मत्वा, इस प्रकार से जान के जो भजन करता है, जो आरती करता है, उसका लाभ होता है। क्यों? आप बताइए, क्या नाम है आपका? ऋतिक। चलिए ऋतिक, इधर आओ, खड़े हो जाओ। तो हमारे पास ऋतिक है, कौन है? ठीक है, इधर आओ। कहाँ रहते हैं? पटना में रहते हैं। ठीक, मान लीजिए ऋतिक ने एक है लड़की, फिर गाली खाएगी। हाँ तो नहीं, शांति सुनो, समझ रहे, डिस्टर्ब होता है ना। कुछ पूछना तो बोला, मेरे से पूछो कुछ पूछना। इसी को बोलते मूर्खता, जब गुरुजी सिखा रहा है चीना में तो मेन पॉइंट भूल जा रहा है, तुम्ही को खड़ा कर देगा। तो शांति से बैठो, समझो क्या सिखाना चाहे। तो यहां पर ऋतिक है मान लीजिए, और तो ऋतिक ने मान लीजिए पटना में एक लैंड खरीदा, क्या खरीदा? ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या क्या कारीगर लगाया, क्या लगाया? मिस्त्री लगाया, गिट्टी दिया, बालू दिया, सब दिया, और उन्होंने एक बिल्डिंग बनाया। ठीक है, तो मिस्त्री का बिल्डिंग हुआ कि इनका बिल्डिंग हुआ, बताओ रिया? बिल्डिंग मिस्त्री का हुआ कि इनका हुआ? इन्हीं का हुआ। वेरी गुड, बोलो, बिल्डिंग इनका हुआ कि मिस्त्री का हुआ? मिस्त्री ने बनाया तो मिस्त्री का हो गया, है कि नहीं? पगली बोलती है मिस्त्री, किसका हुआ? हाँ मिस्त्री बोल रही, मेरा तो एग्जाम्पल फेल कर देगी लड़की। क्या रे रौनक, तुम बताओ, मिस्त्री बनाया तो मिस्त्री का हो गया? हाँ किसका हुआ? उनका हुआ। हाँ किनका हुआ? वेरी गुड, तो बिल्डिंग मिस्त्री ने बनाया है लेकिन सामान किसने दिया? लैंड किनकी है, सामान इन्होंने दिया, तो बिल्डिंग किनका हुआ? समझ रहे हैं? मान लीजिए आपने कारीगर को लकड़ी दी, उसने एक चेयर बना दी, तो चेयर कारीगर की हुई कि आपकी हुई? ऐ आदमी जी सुनिए ना, हम बोल रहे हैं तो कुछ पूछना, तो हम तो आपको परमिशन दी, हाथ खड़ा कीजिए, हम उत्तर देंगे, आपस में बात करेंगे, तो फिर हम कैसे बताएं? आप लोग कथा के बारे में बात करें, मैं समझ रहा हूँ कि उसी को सपोर्ट करें, लेकिन डिस्टर्ब होता है, इसलिए कथा का नियम है कुछ पूछना मुझसे पूछिए, मैं तो समझाने के लिए बैठा ही हूँ, हम इतने दूर से क्यों आए? आप समझ रहे हैं, आपके लिए आए ना, लेकिन आप बात करेंगे तो मतलब आप मेरे को सपोर्ट करें, लेकिन डिस्टर्ब होने लगता है, आप सब लोग बात करने लगे, तो एक शिष्टाचार है कथा में कि कथा के बीच में बात नहीं करते, आप कुछ पूछना हमसे पूछिए, ठीक है? सही रहेगा ये कि अलाउ करे कोई बात करते रहे, ऐसा अलाउ करे क्या? तो अब मान लीजिए,
अब दूसरा, अब थोड़ा गहराई से सोचिए, जिस प्रकार से इन्होंने लैंड ली है, इनका सामान है, तो लैंड किन की, बिल्डिंग किन की हुई, इनकी हुई, समझ रहे हैं? इन्होंने लकड़ी दी है, कुर्सी बनाई गई है, तो कुर्सी किन की हुई, तो कुर्सी किसकी सेवा में लगनी चाहिए, इनकी सेवा में लगनी। मिस्त्री बोला हमारा कुर्सी हम इंजॉय करेंगे। अरे भाई कुर्सी का सामान मैंने दिया है, तुमको कारीगरी चार्ज दिया जाएगा, लेकिन सामान तो मेरा, मैं इंजॉय करूँगा। वैसे ही हमें जो शरीर है, जब जन्म लिए तो कितना छोटा शरीर था, हाँ, हवा किससे ली हम लोग, पानी, तो पानी कौन दे रहा है, हवा किससे ले रहे हैं हम लोग, जन्म, जब जन्म लिए थे तो दो चार सिलेंडर लेके आए थे कि नहीं हम लोग अपना, कि हम चार सिलेंडर लेके आए थे जीवन भर के लिए, खाना कहाँ से ले रहे हैं, अपना लेके आए थे क्या, खाना किसका ले रहे हैं, हाँ हवा, पानी, बिस्लेरी दे रहा है, कौन दे रहा है, तो हम सोचे खाना कौन दे रहा है, नेचर दे रहा है, कौन दे रहा है। आपने आम का बीज देखा है, आम का बीज देखा है ना, आम के बीज को जब देखे तो उसमें तो मिठास नहीं है, आम का बीज को खाएंगे तो मीठा है, आम के बीज में मिठास नहीं है, मिट्टी में मिठास है, पानी में मिठास है, पानी मीठा नहीं, मिट्टी मीठी नहीं है, और बीज मीठा नहीं है, और आम का फल कैसा है, कहाँ से आया मीठा फल, नेचर दिया है कि नहीं, तो नेचर तो सेम तरह से काम, मिर्चा का जो बीज होता है, समझ, मिर्चा का बीज देखे, समझ रहे हैं, उसको जब डालते हैं उसी भूमि में, तो भूमि में तो तीतापन न, आपको पानी में तीता है कि नहीं, नहीं ठीक है अभी चल रहा है, तो मिर्चा में तीतापन नहीं और पानी में तीतापन नहीं है, तो मिर्चा में कैसे तीतापन आ गया, बीज में तीतापन नहीं है, आपको पानी में तीता, मिट्टी में, एक ही चीज में आप डाले हो, एक ही भूमि में, यहाँ आम का बीज, यहाँ एक में मिठास आ गया, एक में, आप एक ही तवे में दो चीज डालोगे, समझ रहे हैं, तो काम तो एक जैसा होगा, तो मैं एक ही मिट्टी एक ही पानी है, तो अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब कोई माता जी कुकिंग कर रही, नहीं तो एक ही चीज आना चाहिए ना बाबा, एक ही मिट्टी एक ही पानी है, तो अलग अलग आ रहा है, मतलब कोई इसको मैनिपुलेट कर रहा है ना, तो कौन मैनिपुलेट कर रहा है, एक में मीठा टेस्ट दे रहा है, एक में कहां से आ रहा है, एक ही रूम में दो बच्चे बैठे, एक को मिठाई पसंद है एक को नमकीन पसंद है, तो माता जी एक के लिए मिठाई लाती है, एक के लिए मशीन, दोनों का अलग 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 देगा, जब तक कोई एक व्यक्ति नहीं होगा तब तक अलग अलग आएगा, मशीन तो सबके लिए एक जैसा काम करेगा, इसका मतलब तो इस दुनिया में पृथ्वी से जो अन्न मिल रहा है कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कुदरत, हाँ तो कुदरत एक व्यक्ति हुआ ना भाई, आप, आपका दो बच्चा है, एक को आप मीठा दे रहे एक को नमकीन दे रहे, मशीन दे सकता है क्या, मशीन तो सबके लिए एक बराबर काम करेगा, मशीन तो दोनों के लिए एक जैसा काम करेगा, लेकिन मनुष्य जानता है कि नहीं, एक ही आपको पेड़ है, उसे एक गुलाब का फूल बुला रहे हैं, एक गेंदा का फूल आ रहा है कि नहीं, वही मिट्टी वही पानी,
कहाँ से डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब कोई आदमी है कि नहीं। कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति, हाँ कोई व्यक्ति है कि नहीं है, कौन है? हाँ तो कौन है? भगवान। तो भगवान से क्या आ रहा है? खाना आ रहा है। फैक्ट्री से आता है क्या? भगवान से आ रहा है खाना, भगवान से आ रहा है पानी, भगवान से आ रहा है हवा। तो किसका खाना खाए, किसका पानी पिए, किसका हवा लिए, ठीक है ना? और इतना बड़ा से क्या हो गया, कितना साल हो गया आपको? 22 साल। इतने छोटे से हम लोग हो गए 5-6 फीट के ऋतिक, ठीक है ना? तो पहले इतने छोटे थे, अब खा खा के किसका खाना खा के बड़े हुए, किसका पानी पिए, किसका हवा लिए। तो हवा से इतना था, अब इतना हो गया। तो शरीर किसका हुआ? अरे सब सामान कारीगर को देते, बिल्डिंग बना देता है, तो बिल्डिंग किसका होता है? अगर हमने अरे हमने कारीगर को सामान दिया, मिस्त्री को अपने बिल्डिंग बना दिया, तो बिल्डिंग किसका हुआ? मेरा हुआ। किसका हुआ? वैसे हमने भगवान ने सब सामान दिया और हम खा खा के बड़े हो गए, तो घर की बिल्डिंग किसका हुआ? किसका हुआ? अरे पागल, ये बिल्डिंग जो छोटी सी थी, सुनिए ध्यान से, इतनी छोटी बिल्डिंग थी हमारी, हम खाना लिए भगवान का, पानी लिए भगवान का और हवा लिए भगवान का, बिल्डिंग बड़ी हो गई, तो बिल्डिंग हुई किसकी? हाँ समझा, समझे कि नहीं? सब सामान भगवान ने दिया, बिल्डिंग किसकी हुई? ये बिल्डिंग किसका है? शरीर किसका है? समझ रहे? इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं? जब तक हम सोचते हैं कि मेरा शरीर है, किसका शरीर है? भगवान का। जब हम लोग सोचते हैं कि किसका शरीर है? मेरा है। नदी लगा, ये लगा, तो वो लगा, खूब खाओ पनीर, तो खाओ पुचका, तो खाओ टिकिया चार, इसको बोलते हैं अच्छा। शरीर किसका है? भगवान। हमारी निगरानी में, किसकी निगरानी में? भगवान नहीं, हमारी निगरानी में है भगवान। जैसे घर, आप किसी के घर में, आप भाड़ा में रह रहे, तो घर मालिक है आप भाड़े में, वैसे ही ये शरीर भगवान का है, हमको भगवान ने यहाँ पर किराए पे दिया, समझ रहे? इसको बोलते हैं, ये नहीं सुनना नहीं मेरा शरीर, इसकी शरीर है, इसकी सेवा में लग रहा है, शरीर भगवान ने दिया है, किसकी सेवा में लग रहा है? आप किसी घर में रहते, किसके अनुसार घर को रखेंगे? मैं वो बोला काटी मत होता, काटी तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे शरीर किसने दिया है? भगवान। तो किसके अनुसार शरीर को रखना पड़ेगा? किसके अनुसार शरीर को रखना पड़ेगा? तब जाके आ चुकी है, नहीं भगवान के अनुसार ऐसा शरीर हम रखते हैं। भगवान बोलते हैं गीता में युक्त आहार, कैसा खाना चाहिए? युक्त खाना चाहिए। भगवान गीता में बताते हैं युक्त आहार, समझ रहे? पेट की साइज कितनी है? इतनी सी। पेट की साइज उठी के बराबर कितनी है? शास्त्र बोलता है इतना खाना, तो हम लोग कितना खाते हैं? चौका लगाओ, मौका पे मिला है यार, अच्छा लगा तो एकदम लगा, चलो बैठो, समझ रहे आप लोग को? तो हम सुखी रह सकते हैं, हम सुखी रह सकते हैं? हाँ, शरीर भगवान का, तो किसके अनुसार रखना पड़ेगा? भगवान का मैनुअल क्या है? तो ये ज्ञान जब हम बच्चों को दें कि बेटा ये शरीर हमारा नहीं, किसका है, किसके अनुसार रखना पड़ेगा,
आप अगर पेट्रोल गाड़ी खरीदते हैं तो फिर पेट्रोल डालेंगे डीजल डालेंगे? पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे डीजल डालेंगे? पेट्रोल डालेंगे डीजल डालेंगे करिए कि नहीं, पेट्रोल 108 रुपया हो गया है, डीजल 94 रुपये में हो जाए, 15 रुपया बचेगा, डीजल ही डालें चलेगा वही से ही भगवान ने शरीर दिया, किसके अनुसार जीना पड़ेगा? भगवान के अनुसार नहीं जीने तो आप सुखी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। और एक लड़का था, इंजीनियरिंग किया, 70,000 रुपये कमा भी रहता दिल्ली, लेकिन इंजीनियरिंग करे से कुछ नहीं होता, पैसा कमाने से कुछ जीता गया नहीं था। क्या खाने लगा? घर से बाहर का, घर में तो आजकल भारतीय संस्कृति है, घर में लोगों को रायता सभी खिलाया जाता है, उनको रायता सभी अच्छा लगता है। तो जब दिल्ली गया तो बोला हमको क्या मिला है? आजादी। तो क्या करता? जोमेटो का ऑर्डर देता था पिज्जा, खाएगा 1500 रुपये का पिज्जा, 5-10 रुपये आ जाता है। ऐसे करके हर 3-2 दिन में पिज्जा ही करते हुआ क्या, 6 महीने में उसका पेट पूरा खराब। क्योंकि आटा जो होता है डाइजेस्ट करता है, लेकिन मैदा डाइजेस्ट, मैदा थोड़ा बहुत खाएंगे डाइजेस्ट करेंगे, लेकिन पेट के लिए इतना अच्छा है। तो पेट में क्या होता है? इंटेस्टाइन होती है आग, क्या बोलते उसको, तो मैदा जाम हो जाता है। क्या कहता है? क्या रहता मैदा? और छह महीने से मैदा ही खा रहा, मैदा ही खा, राइस कुछ खाता नहीं, राइस का तो साफ करते, ये मैदा क्या हो गया? तो धीरे धीरे उसकी पेट की नली जो होती छोटी हो गई, मतलब आप जैसे बाथरूम में बांध देंगे और साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? जाम हो जाता है। तो वैसे उसकी पूरी नाली क्या हो गई? खाए जा रहा लेकिन नाली जाम हो गई, नाली क्या हो गई है? तो हो क्या गया? नाली जाम होने के कारण जो उसको खाया जा रहा तो पूरा नाली फट गई। क्या हो गया? नाली हो गए आप लोग, नाली क्या हो गई उसकी, और उसको खून निकल गया, उसको प्रॉब्लम हो गई इसका पाइलेट है ना भाई, तो टॉयलेट में क्या निकलता था। तो आपको क्या लगता है 80,000 का कमा रहा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं? पढ़ा लिखा है वो, पढ़ा लिखा बोले क्या सभ्य बोलेंगे उसको? 80,000 का कमा रहा है लेकिन उसको गीता का ज्ञान नहीं, इसलिए वो क्या है? अनपढ़। क्या है? क्या है वो? अनपढ़ कहलाया। क्या कहलाया? आप लोग इसने गीता का ज्ञान आज समाज में नहीं है तो कर दिया, सब कुछ होके भी क्या है? जीवन में बदली करनी है गीता ज्ञान को सीखना। आज स्कूल कॉलेज में पैसा कमाना सिखाया जा रहा है लेकिन हमारे शरीर को किस प्रकार से रखना है उसके बारे में कोई जानकारी। आप कथा में बात करेंगे क्या? आप ही को बोल रहे हैं, आप ही को बता रहे हैं, कथा में बात क्यों कर रहे? क्या तो आप कथा बोली? क्या ध्यान से सुनिए ना, मत सुनिए, हम क्या यहाँ पे कोई आपके भले के लिए आए ना, हम मुंह पे बोलते हैं बुरा लगता है लोग, कथा के बीच में बात मत कीजिए, बात करना तो फिर क्या तो हम बंद हो जाते। आप बोलिए। कोई मजाक नहीं चल रहा है, कथा चल रही है। अब आप आके बोलिए, हमको दिक्कत नहीं।
बीच में कभी भी आ जाइए, 5 मिनट दर्शन करके चले जाए, ऐसे कोई लाभ नहीं होता। स्कूल में जाएंगे क्लास के बीच में, हम लोग कॉलेज में जाते बीच में नहीं घुसेंगे, नहीं घुसने देगा। भारत में सब जगह स्कूल में टाइम पे जाएगा, तो हम लोग स्कूल में 2 मिनट लेट जाएंगे निकाल देगा, नहीं हम लोग टॉप स्कूल्स में पढ़े, समझ रहे, 2 मिनट लेट जाएंगे आपको। अब भारत में कथा के बीच में कोई ये घुसेगा कोई ये निकले, और थोड़ा सा बोलो तो भाग जाएंगे, इतना अहंकार। तो ऐसे लोग को हम क्या मानते हैं, अनपढ़ मानते हैं, कि जो पढ़ लिख के भी उनको पता नहीं क्या खाना है, क्या खाएगा मैदा। तो वो लड़का जो 80,000 कमाता पढ़ा लिखा बोलेंगे उसको, पढ़ा लिखा बोलेंगे बोलेंगे? हाँ वही तो बता रहा हूँ, यस समझ रहे हैं। वैसे आजकल समाज में हम बच्चों के स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं, उनको संस्कार नहीं मिल रहे। मैं अनेक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, समझ रहे हैं। तो एक कॉलेज में बच्चे बता रहे थे कि जब फेयरवेल फेस्टिवल होता है तो हर बच्चे से 1,000 रुपये ले लेते। कितना रुपया ले लेते? इंजीनियरिंग कॉलेज में थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से 1,000-1,000 रुपये ले लिया 100 लोग, 2 लाख रुपये इकट्ठा किया, और 1 लाख रुपये दारू लेके आते। क्या लेके आता है? सच्ची घटना बता। तो हमारे एक सेंटर में मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ गीता पे, तो 50 बच्चे रहते, तो उनकी जब फेयरवेल हो रही थी तो हमारे बच्चों को बोला तुम लोग भी आओ यार, तुम लोग भी फेयरवेल फेस्टिवल। तो हमारे बच्चे उसमें नहीं, हम लोग अलग से करते। तो हमारे स्टूडेंट को बहुत फोर्स करते, बोले बोले ठीक है हम लोग आएंगे तो हम लोग हरे कृष्णा गाएंगे। बोले ठीक है 5 मिनट वो भी गा लेंगे। तो जब गए हमारे 4-5 बच्चे थे, तो कैसे वेलकम किया, जैसे कोई आदमी किसी के यहाँ जाता है तो चंदन लगाते हैं, भगवान का पुष्प देते हैं, माला देते हैं। यहाँ पर जब सीनियर आ रहा था उसको कैसे वेलकम किया? सिगरेट देंगे। तब कैसे वेलकम किया जाया था? सच्ची घटना बता रहा। आज बहुत सारी कंपनीज हैं, आपको जब टीम का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो सबको पार्टी में बुला के दारू पिलाया जाए। आपको पता है कि नहीं पता? पता नहीं, लेकिन ऐसा चल रहा है। तो आप इन लोगों को क्या पढ़ा लिखा बोलेंगे? पढ़ा लिखा बोलेंगे? एक लड़का था इंजीनियरिंग किया, पटना में काम कर रहा था, करीबन 80,000 रुपये मिल भी रहा था जिंदल कंपनी में, सब सही चल रहा था। फिर कोरोना काल आ गया। क्या आ गया? अब इसको थोड़ा दारू पीने की आदत लग गई थी। क्या पीने की आदत लग गई थी? कॉलेज में दारू पीने की। कैसे सिखाया था दारू पीने? उसका रैगिंग लेंगे, क्या लेंगे? उसको बुलाएंगे और एक बोतल दारू का रख देंगे, एक बोतल पानी का रख देंगे, पानी दो, समझ रहे हैं। और उससे पूछेंगे क्या पिएगा, दारू पिएगा या पानी पिएगा? तो लड़का बोलता है पानी पिएंगे। क्या पिएंगे? दारू पियो। वो नहीं, मम्मी ने मना किया। मम्मी ने क्या किया है? दारू में क्या खराबी है? वो नहीं, नहीं पीना है। अच्छा, तो सीनियर बोलता है गधा को बुलाएंगे तो दारू पिएगा या पानी पिएगा? गधा पानी पिएगा। गधा क्या पिएगा? गधा दारू पिएगा पानी पिएगा? बोलिए, गधा दारू पिएगा पानी पिएगा? पानी पिएगा। बोला तू भी अगर पानी पिएगा तेरे और गधे में क्या अंतर? तू गधा है? बोला नहीं गधा नहीं। तू गधा है? बोला नहीं गधा नहीं। तो गधा नहीं है तो तेरे और गधे में क्या अंतर? तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं तो गधा नहीं हूँ, गधा क्या पीता है? पानी पीता है। मैं ही पानी पिया तो मैं ही क्या हो गया? समझ रहे? तो इसलिए मेरे को क्या पीना पड़ेगा? अगर मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो क्या पीना पड़ेगा? ऐसी सच्ची घटना है। ऐसे करके बच्चों को भ्रमित, और माँ बाप सिर्फ सिखाते हैं बेटा दारू मत पीना, लेकिन केवल सिखाने से नहीं होगा, उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी क्यों दारू नहीं पीना। और इधर वो फ्लैट हो जाता है।
इधर बेचारे को सिखा दिया और क्या हो गया, फ्लैट पीना चालू दादू। कहीं ना कहीं माँ बाप की कमी है कि माँ बाप ने केवल यही बोला दारू मत पियो, अच्छी बात बोला लेकिन क्यों नहीं पियो बताया, और उधर उसको प्रूफ कर दिया कि दारू पीना अच्छा। तो माँ बाप को पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बच्चा तुरंत बोल देता कि भैया ऐसा है, तो गधे को अगर हम लोग पानी देंगे और जहर का बोतल देंगे तो कौन सा पिएगा, पानी का बोतल है जहर का बोतल है तो गधा कौन सा पिएगा, क्या पिएगा गधा, पानी पिएगा। तो इंजीनियर बनना है, आप गधे तो नहीं हो, आप इंजीनियर हो तो जहर पी लो, जहर पिएगा। उस लॉजिक का तोड़ भी है ना, वो तो गलत लॉजिक कि गधा पानी पीता है तो तुम भी क्या क्यों, तुम गधे नहीं हो तो पानी की जगह तुम दारू पियो, तो गधा नहीं हो तो पानी के जहर भी पी लो, जहर पिएगा। लेकिन बच्चे को उतना बुद्धि होता नहीं है, बस गया। तो इस लड़के को आदत लगे थी क्या पीने की, अब दारू पीने से माथा काम करना बंद कर देता है, थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा आ जाता है जल्दी। जो लोग दारू पीते अपने घर को बेच देते, अपनी पत्नी का सब जेवर बेच देते, बर्बाद कर देते। तो इस प्रकार से अब इसको आदत लगे दारू की, इसकी शादी भी हो चुकी थी, मतलब यंग लड़का था एकदम। अब क्या किया, कोरोना के समय कंपनी में झगड़ा हो गया, बार बार झगड़ा हो जाता था, तो बॉस से झगड़ा करके जॉब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया। और जब जॉब छोड़ दिया तो एक दिन 35,000 का दारू पिएगा चार दोस्तों के साथ। कितना का पी के आया, 35,000 का। और किसका पैसा से, बाप का पैसा से। तो रात को जब 11 बजे आया तो बाप को थोड़ा गुस्सा आया, एक तो गलत काम करा किसका पैसा से। तो पिताजी जगा हुआ था उसको डांटने लगा, तुम इतना पैसा बर्बाद क्यों करता है, तुम क्या कर रहा है। तो बेटा पिताजी पे उखड़ गया, आपको हम बहुत दिन से देख रहे हैं, आपको हम बहुत दिन से, गलती किसका है, बेटा का। और बेटा किस पे चढ़ गया, हम आपको बहुत दिन से देख रहे हैं, आप हमको पसंद नहीं करते हैं ना, आप हमको पसंद नहीं करते हैं ना। अब पिताजी बेचारा मतलब गलती किया लड़कवा, और पिताजी पर चढ़ गया, तो पिताजी कुछ बोल नहीं पा रहे, बोलता नहीं ऐसा बात नहीं, हम पसंद करते हैं तुमको, बोलते आप हमको पसंद नहीं करते ना, देखिए हम क्या करते हैं। बोतल लिया, बोतल दो, फिनाइल का बोतल था, कैच का बोतल था, और पूरा बोतल पी गया फिनाइल का। क्या पी गया, पूरा बोतल, पूरा बोतल कैच का पी गया। तुरंत उसको नवादा अस्पताल ले गया, अस्पताल वाला हाथ उठा दिया, भाई तो बचेगा, पटना मेडिकल में भेजा गया PMCH, वो भी हाथ खड़ा कर दिया। फिर उसका कोई भाई डॉक्टर था, वेंटिलेटर पे चढ़वाया, 4-5 लाख रुपया खर्चा हुआ, 3 दिन में मर गया। और उसकी पत्नी 28 साल की, 2 छोटा बच्चा। आप बोलेंगे क्या पढ़ा हुआ था वो, पढ़ा लिखा था, क्या पढ़ा लिखा बोलेंगे उसको, 80,000 रुपया कमाया था लेकिन वो पढ़ा लिखा, उसको कैच का ज्ञान नहीं था कि हर व्यक्ति को ध्यान पूर्वक इस लाइफ के मैनुअल को समझना चाहिए बचपन से। और आज हमारे ये सब आज जो प्रॉब्लम हुआ है ये केवल 200 साल के अंदर हुआ, कितने सालों में हुआ है, 200 साल पहले अंग्रेजों ने क्या किया, पहले हर घर में गीता पढ़ी जाती थी। आज भी आप नालंदा में जाएंगे तो देखेंगे कितनी बड़ी वहाँ पर यूनिवर्सिटी थी, कितना खोदा गया, अभी बुलाया था, इतनी सारी उसमें बुक्स, लाइब्रेरी में करीबन 1 करोड़ पुस्तक थी, कितनी, 1 करोड़। और खिलजी ने जब आक्रमण किया, मुस्लिम ने जलाया, तो 6 महीने तक बुक जली रही थी फिर भी ख़त्म नहीं हुई। तो हमारे वेदों को जलाया गया, गुरुकुल को ब्रिटिशर्स ने, तो इन्होंने वेदों को जलाया, फिर ब्रिटिशर्स ने देखा कि गुरुकुल में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती, सब बच्चे को अच्छे से गुरुजी ट्रेनिंग गीता भागवत पढ़ाए। तो उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडियन एजुकेशन एक्ट लगाए 1859, और बोला कि ये गुरुकुल बंद करो, और 7,27,000 गाँव थे और 7,32,000 गुरुकुल थे, सबको तोड़ा गया। और जो हम लोग सब लोग बच्चे बच्चे गीता पढ़ा करते थे,
सबको गीता से अलग कर दिया गया और सबके मन में घुसा दिया गया कि गीता भागवत बेकार है, अंग्रेजी चीजें अच्छी है, भारत की चीजें। इसके कारण भारत जो सोने की चिड़िया थी आज क्या हो गया, गरीबों को। मैकॉले ने जब 200 साल पहले रिसर्च किया, वो भारत को कंट्रोल करना चाहते थे, भारत को ये लोग कंट्रोल करना चाहते थे। माता जी आप बच्चे को देख लीजिए, कथा में तो आपका मन है नहीं, क्यों आया, बच्चे को खिलाइए, कथा में क्यों बैठे, कथा में बैठ के मन कहीं और लगाएंगे तो फायदा क्या। हम लोग थोड़ा खराब साधु बोल देते डायरेक्ट, कोई एंटरटेनमेंट के लिए मत बैठे, या तो बच्चे का एंटरटेनमेंट कीजिए या कथा सुनिए, दो में एक चीज कीजिए। समझ रहे हैं किसके लिए मैं अपना एनर्जी डाल रहा हूं पापा, आप बच्चे में ध्यान लगा रहे, एक चीज कीजिए। तो मैकॉले ने जब रिसर्च किया इंडिया में आके, ब्रिटिशर्स लोग ने अपनी कॉलोनी बनाने का प्रयास किया, पहले यहाँ पर आके बिजनेस चालू किया, फिर सोचे इसी को कंट्रोल कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, तो कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे तो देखे कि इंडिया को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं। तो 1838 में करीबन 200 साल पहले मैकॉले ने रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में दी, तो बोला भाई इंडिया को कैसे कंट्रोल करें, बोला संभव नहीं, क्योंकि मैंने पूरा इंडिया छप्पा छप्पा छान लिया, यहाँ एक भिखारी नहीं, एक क्या नहीं है, फिर किसी को कमी नहीं थी, सब गीता का पालन करते तो कमी थी नहीं। ऐसी भारत की संस्कृति थी, कोई आदमी खाना खाने के पहले हल्ला करता था, कोई भूखा है तो मेरे पास खा के जा, कोई भूखा है तो मेरे घर में खा के, पहले लोग खिलाते थे फिर दान की संस्कृति थी, इतना पैसा था, भगवान इतना देते थे, पृथ्वी इतना दिया करती थी। समझ रहे हैं? लेकिन तो फिर बोला कि भाई इंडिया को तो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं, सब तरह का ज्ञान था, वैद्य लोग ऐसे छू देंगे आपको सब पूरा बता देंगे क्या चल रहा है, ऐसे छू के आपको पूरा रोग बता देंगे क्या चल रहा है और एक जड़ी बूटी देकर ठीक कर देंगे। और आज तो आपका झूठ मूठ का इतना चीटिंग चल रहा है, आपका टेस्टे में 20-50 हज़ार रुपया खर्चा करवा देंगे, झूठ बोले सच बोले, झूठ मूठ का 20-20 लाख रुपया खर्चा करवा दे। यही मेरे एक स्टूडेंट प्रेग्नेंट थी, तो उसको 7 बार टेस्ट किया डॉक्टर, इस हॉस्पिटल तो कभी उस हॉस्पिटल, और जहाँ जाती है ब्लड टेस्ट, जहाँ जाती है। तो मैं पूछा वो बेचारे से मिला तो एकदम चेहरा उसका सूख गया, तो मतलब क्या हो गया, 8-9 बार उसका ब्लड टेस्ट हुआ और लास्ट में एक जगह पर निकाला तो खूने नहीं निकला। अब बच्ची आज इस अस्पताल में अपना टेस्ट करवा रही है तो उसका ब्लड टेस्ट करा, कल दूसरे जगह करवाई तो दूसरे जगह ब्लड टेस्ट कराने का मतलब है एक दिन में ब्लड चेंज हो जाएगा क्या। लेकिन बोलते नहीं, हमारा अस्पताल में भर्ती करेंगे तो हम लोग अपना खुद का ब्लड टेस्ट, क्यों ब्लड टेस्ट खुद का करेंगे, जो कमीशन मिलता है ना, अब जाएंगे डॉक्टर बोले इसी से करवाइएगा, कहाँ से करवाना है आपको ब्लड, क्योंकि 300 रुपया फिक्स, सही बोले गलत बोले। तो इस प्रकार से क्या हो गया है, भारत में पहले ज्यादा समृद्धि थी कि नहीं, आज भी कुछ वैद्य ऐसे छू के पूरा बता देंगे आपको, चार्ज भी नहीं करते। नालंदा में जो टीचर से फ्री में पढ़ाते थे, आज स्कूल में पढ़ाने में बच्चा बिक जाता, इतना पैसा लगता है पढ़ाने बच्चों को कि परेशान हो जाता, पहले फ्री में पढ़ाया जाता था कि नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन ये संस्कृति पूरी नष्ट कर दी अंग्रेजों ने, तो इसलिए अगर हम लोग सही से गीता नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। गीता है कौन से श्लोक में भगवान बता रहे कि पूजा करनी चाहिए, सब लोग घर में पूजा करते दीप दिखाते, कौन से श्लोक में बता रहे,
पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? हाँ, हम लोग रोज अगरबत्ती दीप धूप दिखाते हैं, पता है आपको? हाँ, पता है किसी को? मेरे पीछे बोलिए, श्री भगवान वाच भूमि अपो अनल वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इस श्लोक में भगवान बता रहे क्यों उनकी रोज आरती करी। घर घर में आरती होती लेकिन क्यों होती पता? तो भगवान इस श्लोक में बता रहे भूमि, क्या बोल रहे हैं? भूमि, सब लोग बोले भूमि अपो अनल वायु खम। तो बोले भूमि अपो अनल वायु खम, पंचभूत है। क्या है? पंच महाभूत। पूरी सृष्टि किससे बनी है? भूमि से, पृथ्वी से। भूमि अपो मतलब पानी, अनल मतलब अग्नि। भूमि अपो अनल, भूमि अपो अनल वायु हवा अखम स्पेस। इन पांचों से सब कुछ बना हुआ है। ये हॉल ले लीजिए, हमारा शरीर ले लीजिए, कुछ इसमें पृथ्वी तत्व है, कुछ पानी तत्व है, कुछ वायु तत्व है, कुछ अग्नि तत्व है, पेट में जठराग्नि है और हवा है कि नहीं? पांच चीज पांच से बना हुआ है कि नहीं? कोई भी चीज ले लीजिए, इन पांचों से बना हुआ है कि नहीं? और तीन सूक्ष्म चीजें जो दिखती नहीं, उसको बोलते हैं मन बुद्धि और अहंकार। भूमि अपो अनल वायो खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति अम्मे। तो ये पांच, मन भूमि अपो अनल वायो खम मन बुद्धि अहंकार, कितने हो गए? पंच महाभूत, भूमि अपो अनल वायो खम और मन बुद्धि अहंकार, कितने हो गए? आठ। तो भगवान बोल रहे हैं भूमि अपो अनल वायो खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति अम्मे। अहंकार इति अम्मे भिन्ना पग्दे अष्टधा। अष्ट मतलब, अष्ट मतलब आठ। तो भगवान बोले ये पूरी सृष्टि किसके बनने द्वारा बने? मेरी आठ शक्तियों के द्वारा। भूमि अपो अनल वायु खम मनोबुद्धि। तो भगवान बोल रहे ये आठ शक्तियों के द्वारा सब कुछ चल रहा है। किसकी आठ शक्तियां? मेरी आठ शक्ति। तो मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, हाँ, और माँ पिताजी उसके लिए आम लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? अब कितने बच्चे? चार बच्चे। कितने बच्चे? लड़के कितने? लड़की। तो मान लीजिए आप अपने लड़के के लिए क्या लेके आए? आम लेके आए, ठीक है? और बोले लो बेटा आम लो, और बेटा उसको धो के लाए, काट के आपको दे, मम्मी लो तुम खाओ। धो के काट के ला के दे, मम्मी लीजिए, कैसा लगेगा आपको? आप तो लाए बेटे के लिए, बेटा काट के ला के आपको, मम्मी तुम भी खाओ, कैसा लगेगा माँ को? बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं? आंखों से आंसू गिर जाएगा। खिलाएंगे तो बेटे को ही, लेकिन मन बड़ा खुश हो जाएगा। वैसे सब कुछ कौन दे रहा है? भगवान दे रहे, लेकिन हम उनको जब अर्पित कर देते हैं, आपको आम देगा तो आप तो बच्चे को वापस देंगे कि बेटा तुम भी खाओ, लेकिन कितने खुश हो जाएंगे आप? उस बच्चे को कभी तकलीफ होगी? जो बच्चा अपने माँ बाप को इस प्रकार से आदर देगा उसको तकलीफ होगी? माँ बाप पहले उसको खिलाएंगे फिर ही खाएंगे, है कि नहीं? ऐसे ही माँ बाप बच्चे का ख्याल रखते, नहीं? जो माँ बाप बच्चों को, बच्चा माँ बाप को इतना प्रेम करेगा उसको तकलीफ होगी? होगी हाँ। तो वैसे ही भगवान सब कुछ दे रहे, लेकिन हम उनको जब समर्पित करते हैं और फिर ग्रहण करते हैं, तब फिर जीवन में कभी कोई तकलीफ, समझ रहे? इसलिए सुबह सुबह उठ के हम मानते हैं कि सब कुछ किससे आ रहा है? भगवान से आ रहा है। और उनको हम जो अर्पित करने की प्रकृति को बोलते हैं मंगला आरती। क्या बोलते हैं? आरती। कि भगवान सब सुगंध किससे आ रही? आपसे आ रही। तो हम अगरबत्ती अर्पित करते हैं, भगवान सब सुगंध, सब पृथ्वी आपने दी, फिर भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे? भगवान रोशनी किसने दी है? किसने दी है? आपने दी। तेरा क्या नाम था? कोमल। कितना उंगली है? आपका क्या नाम है? आदित्य। कितनी उंगली है? श्योर
कैसे देखा? कैसे तुम कैसे देख रही? पक्का? तो तुम्हारा आंख एज इट इज अभी भी है, और अगर अंधेरा कर दिया जाए तो मेरा हाथ दिखेगा? तो कैसे देखी? आंख से कैसे देखी? अंधेरा है तो देख पाएगी? तो तुम बोली आंख से देखी, लेकिन अंधेरा है तो देख पाएगी? तो आंख से देख रही है, अंधेरा है तो नहीं देख पा रही, तो कैसे देख रही है? हाँ, बिना प्रकाश के आंख के बिना आंख के साथ भी देख नहीं, आंख है लेकिन प्रकाश नहीं हुई तो देख पाएंगे? तो इसीलिए हम आंख खोलने के साथ किसको धन्यवाद देते हैं? उस प्रकाश को, क्योंकि आंख से हम नहीं देख पाएंगे बिना प्रकाश के। और प्रकाश कौन दे रहे हैं? ईश्वर दे रहे है कि नहीं? तो इसीलिए आंख खोलते के साथ किसको धन्यवाद दिया जाता है? कि भगवान धन्यवाद, आपने प्रकाश देना चाहिए धन्यवाद। इसलिए दीप अर्पित करते कि हे भगवान आप रोशनी अर्पित कर, बिना रोशनी के आप जैसे गंगा को जल अर्पित करें, उसी का जल उन्हीं को अर्पित किया जाता है, वैसे भगवान की रोशनी है ये भगवान को अर्पित करते हैं, दीप जलाए कि भगवान आपसे सब रोशनी आ रही। ऐसा करने से मंगल होता है, लेकिन केवल दीप जलाने से होता है, इस चेतना को लाने से मंगल होता है। कोई दीप जला दिया लेकिन उसको फीलिंग ही नहीं तो क्या फायदा? उस दीप जलाने का क्या पर्पज है? कि मन में भगवान को धन्यवाद देना। क्या देना? कि हे भगवान आप कितनी सुंदर रोशनी दे रहे हैं, आपने क्या दी है, नहीं तो मैं अंधा हूं, आंख होके भी क्या हूं? फिर हम भगवान को जल अर्पित करते हैं, हवा अर्पित करते हैं, सब धन्यवाद देने। और जो ऐसा देता है जीवन में उसका क्या होता है? मंगल। तो गीता में सब कुछ दिया है, गीता में आप लोग से यही विनती है कि आप लोग रोज भगवत गीता पढ़ें, समझ रहे? और यह पुस्तक आपके जीवन को पूरा बदल देगी, समझ रहे? और इसी से हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया, क्योंकि बच्चों की गलती ये मत सोचिए बच्चों की गलती, हमारी गलती कि हम जानते ही नहीं क्या सही, हम कर रहे हैं लेकिन हमें उसकी जानकारी, अब कितने लोगों इसकी जानकारी की आरती क्यों करते, सब करते हैं लेकिन जानकारी किसी को? कितने लोग गीता के श्लोक पता है? बोलिए पता है? कितने लोग पता है आरती क्यों करनी चाहिए? करते सब है लेकिन किसी को पता? अब इस प्रकार से अपने बच्चों को समझाएंगे तो समझेगा कि नहीं समझेगा? बोलिए आप लोग बोलिए, जैसे मैंने आपको बताया गीता के श्लोक के अनुसार, अगर आप बताएंगे तो समझेंगे कि नहीं समझेंगे? हाँ, लेकिन आप बस बोलते रहते पूजा करो पूजा करो, कभी नहीं करेगा, क्यों करेगा? आप इतने बढ़िया समझाएंगे, हमारे गुरुजी ने हमको समझाया, हमारे 20 साल से माँ बोलती पूजा करो, हम नहीं किए, हम समझ में नहीं आता तो क्यों करें? लेकिन जब हमको गुरुजी के संपर्क में आए, हमने बहुत अच्छे से समझाया गया, तो हम भी चालू कर दी, मेरी बात तो सही है। तो इसलिए सबसे विनती है कि अच्छे से इस तत्व ज्ञान को समझिए, प्रश्न पूछिए, समझिए, गीता पढ़िए, और मनुष्य जीवन को क्या बनाइए, सफल और सार्थक। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो। मैंने एक घंटे में आप लोग कुछ समझाया, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, मैं जो समझाया समझ में आया? तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पूछिए तब हम और बता पाएंगे आपको। जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं पता नहीं, जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगर आपकी कुछ जिज्ञासा है तो मैं उसको थोड़ा बताने का प्रयास कर सकता हूँ। बोलिए कुछ मन में है तो। हाँ,
प्रॉपर रूल। हाँ रूल तो है, भगवत गीता पढ़ने का रूल क्या है, भगवत गीता भगवान स्वयं बताते हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, लाइफ का मैनुअल है। क्या है लाइफ का, समझ रहे हैं। बहुत बार गलत तरह के मैनुअल्स के बारे में फैला दिया गया कि कोई अगर मांस खाता है तो नहीं पढ़ सकता, ऐसा कोई नहीं दिया शास्त्र में, कहीं नहीं लिखा है कोई मांस खाता है तो गीता नहीं। बहुत लोग, मैं जाता हूँ, मैं तो भारत भर घूमता हूँ, कोई बोलते पूजी हम बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति हैं, बोले कैसे, कोई जिस दिन मांस खाते हैं ना 24 घंटा तो हम गीता नहीं छोड़ते, कितने पुण्यात्मा व्यक्ति, और दिन भर मांस खाते रहे और कभी जीवन भर मत छुई। तो गीता क्या है, एक लाइफ की मैनुअल है, समझ रहे हैं। तो आप इसको कभी भी पढ़ सकते, कहीं पर भी पढ़ सकते। एक बार मैं गीता बांट रहा था तो कंपनी के बाहर बांट रहा था, तो इंजीनियर कलकत्ता में, तो चार पांच लड़का लड़की सब घूम रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, तो मैं सबको बांट रहा था, तो मैं गीता लीजिए गीता लीजिए, तो लोग आ रहे थे रास्ते से, तो लोग मजाक करने लगे, इसको दीजिए, वो बोलता है इसको दीजिए, समझ मजाक, पांच छह लोग थे कि ये गीता, मतलब जैसे लगा गीता कोई बेकार चीज़, गीता क्या है, इसको इसको दीजिए इसको दीजिए, है नहीं। तो दो दो लड़के थे तो उसको मैं पकड़ा, तो मैं बोला देखिए, तो सिगरेट पी रहा था, एक हाथ में क्या थी, मैंने उसके दूसरे हाथ में गीता रखी कि देखो, और मैं बोला तुमको क्या लगता है सिगरेट पीने से सुखी हो जाएगा, अगर सिगरेट पीने से तुम सुखी होता है तो हम तुमको पैसा देंगे, बोलो कितना सिगरेट पिएगा कि उसके बाद तुम मन संतुष्ट हो जाएगा तेरा, बोलो कितना सिगरेट तुम पिएगा उसके बाद तुमको और सिगरेट पीने की जरूरत नहीं। अगर आप कोई चीज ले रहे तो जब पूर्ति हो जाएगी तो फिर और जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोला बोलो हम पैसा देंगे, तुम कितना सिगरेट पिएगा उसके बाद जीवन भर सिगरेट पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलो एक सिगरेट दो सिगरेट सौ सिगरेट हजार सिगरेट दस हजार सिगरेट, बोलो कितना सिगरेट पिएगा उसके बाद सिगरेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने लगा। फिर मैं उसको गीता श्लोक दिखाया, एक हाथ में सिगरेट है दूसरे हाथ में मैंने गीता रखे दिखाया, तो तीसरे अध्याय के 39वें नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं आवितम ज्ञान में आवितम ज्ञान में, तो भगवान बोल रहे हैं कि आवृतम ज्ञान में तेना, आवृत मतलब ढक देता है, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अल्थे। तो बताया देखिए जब वासना आती है ना तो हमारे ज्ञान को ढक देती है, ज्ञान को क्या करती है, ये काम वासना जो है काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अल्लेज, ये ऐसी अग्नि है जिसमें आप जितना भी घी डालोगे कभी बुझेगी, यहाँ पर घी है कितना घी डालेंगे बुझ जाएगी, जितना डालेंगे सब, इस दीप में आप 100 लीटर भी डालेंगे सब खा जाएगा, 100 क्या लाखों लीटर भी, कितना लीटर डालेंगे उसके बाद पेट भर जाएगा, अग्नि बोलेगा भाई बहुत पेट भर गया, कितना लीटर डालेंगे उस बोले पेट भर गया, अग्नि में कितना लीटर घी डाल देंगे बोले पेट भर गया और नहीं चलेगी बोलेगा। तो भगवान बोले ये वासना ऐसी चीज है दुष्पूरे, कभी पूरी होगी, तो बोला देखो ये सिगरेट पीने की इच्छा है ना कभी पूरी होगी, दुष्पूरे डल लेजे कभी खत्म होने वाली, 100 सिगरेट पियोगे तब 110, 110 पियोगे 120, कभी खत्म होगी इच्छा, जितना पियोगे मन करेगा और 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 और, कभी इच्छा पूरी होगी, तो तुरंत उसको बोला मेरे को एक गीता दीजिए, उसके बाद पैसे नहीं थे, पैसे लेके आए कि रुकिए आप जाइएगा, मतलब पैसे लेके आए ऑफिस में थे, तो गीता कहीं पर भी पढ़ सकते, पढ़ना है। इंडिया में क्या लाल कपड़े में रख के बंधिया से रख देते, ये कोई गीता की पूजा नहीं, समझ रहे, जैसे मैं घर में जाता हूं मेरे पांव छूने लगे पांव धोने लगे, ये कोई गुरु का सम्मान नहीं हुआ, ठीक है सम्मान है मैं नहीं बोला, जैसे कल से रात को गया तो पांव धोने लगे वो लोग, लेकिन ये कोई मेन सम्मान नहीं है, मेन सम्मान है उनके मुख से सुनना,
अब सम्मान के लिए आप ठीक है चरण धो सकते हैं, लेकिन मेन है उनसे मुख से आप चरण धोते हैं, लेकिन जब गुरु बोलना चालू कर तो भाग जाते, तो फिर क्या फायदा, समझ रहे? तो वैसा कुछ फायदा है? तो वैसे ही गीता का सम्मान है उसको पढ़ना। एक जगह घर में लाल कपड़े में बंधी हुई थी गीता, कभी कभी बच्चा होता है ना, कभी कोई दादा आते हैं, चाचा आते हैं, नाना आते हैं, तो बच्चे को कुछ हाथ में पैसा डाल के जाते। तो एक बार दादा आए थे बच्चे से मिलने के लिए, तो जब गए तो 100 रुपया उसके हाथ में दी, तो पिताजी ऑफिस निकले तो देख ले इसके हाथ में कितना दिया दादा ने। तो शाम को आए तो बोले बेटा 100 रुपया कहाँ रखे, 100 रुपया छोटा बच्चा है 4 साल का, बोले बेटा 100 रुपया कहाँ रखा, तो बेटा पूजा घर में ले गया। कहाँ ले गया? और पूजा घर में लाल कपड़े में क्या बंधी हुई थी, उसको खोला, बोले ये क्या खोल रहा है, और उसके अंदर 100 रुपया रखा, बोले इसमें क्यों रखा, बोले आज तक किसी को खोला है देखा ही नहीं मैं इसको, समझे ये सबसे बढ़िया जगह है, इसको बोलते मेरा भारत महान। इतना गीता के प्रति सम्मान है, इतना सम्मान है, इतना सम्मान की पढ़ेगी नहीं। ये हमारी गीता की विधि, ऐसी विधि सही नहीं। इतना भी सम्मान मत कीजिए कि पढ़े नहीं। पटना में प्रोग्राम कर रहा था 4 साल पहले, तो मेरे को गीता, मैंने बोली गीता लेके आओ उसके घर में, बोला गीता है, बोला हाँ, तो लेके आया, मेरे को कुछ श्लोक पढ़ना था, तो मैं प्रोग्राम जा रहा था तो गीता लाया तो पूरा प्लास्टिक से कवर था। मैं बोलो परे तुमने अभी तो खोला भी नहीं, मैं 1 साल पहले दिया था तेरे को, बोला पूजी एज इट इज़ है, क्या है यथारूप। बोला वाह, मैं जैसा प्लास्टिक के साथ दे के क्या था वैसा ही हो रखा, खोला भी नहीं डाला। तो ये क्या रिस्पेक्ट बोलेंगे? तो गीता पढ़ना मतलब हम लोग तो स्कूल कॉलेज सब जगह बच्चों को पढ़ाते, तो रियल रिस्पेक्ट फॉर गीता मीन्स टू रीड इट, समझ रहे? अब आप सुबह नहा धो के भी पढ़ सकते हैं, आपकी कॉलेज है तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं, रात को भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते, लेकिन पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है? आंसर मिला आपको? और रेगुलर वे में पढ़ेंगे तो अच्छा है। जैसे मैंने अपनी माँ को 2005 में दिया था, तो मैंने बोला माँ तुम रोज़ 2 पेज पढ़ो। कितना पढ़ो? इसमें एक मार्कर है ऐसा कि तुम रोज़ क्या करो, 700 पेज है करीबन, रोज़ 2 पेज पढ़ेगी तो साल भर में एक डायरी रख लो, रोज़ 2 पेज पढ़ो, 2-3 लाइन उसमें से लिख लो जो समझ में आए, 1 साल में कंप्लीट हो जाए, समझ में आए? और किसी का प्रश्न है? ठीक है, और प्रश्न किसी का? तो गीता का सार है, आज मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, 2-3 पॉइंट सिखाया, 2 श्लोक सिखाया मैंने आपको गीता के। पहला कि सब कुछ किससे आ रहा है, सब कुछ किसकी सेवा में लगाना चाहिए, शरीर किसका है, किसके अनुकूल रहना चाहिए। तो जीवन में मंगल करना है तो भगवान को क्या करना चाहिए, अनुकूल जीना चाहिए। तो कलयुग में भगवान ने सब शक्ति किसमें डाल दी, नामों में, किसमें डाल दी अपने, तो इसलिए सबको क्या करना चाहिए, सुबह उठ के भगवान का नाम जप। और कलयुग का तारक मंत्र है जो ब्रह्मा जी नारद को दिया, नारद मुनि ब्रह्मा के पास गए, बोले मैं देख रहा हूँ कलयुग में छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा हो जाए। अभी 2 दिन पहले मैं दरभंगा में प्रोग्राम कर रहा था, तो उधर एक कपल आया, फैमिली, तो यंग लड़का लड़की, तो लड़की किस लिए झगड़ा कर रही पति से, बोले क्या हो गया तुम इतना क्यों डिस्टर्ब हो गई, तो डिस्टर्बेंस का कारण 2 घंटा सुनने के बाद ये समझ में आया कि उसका डिस्टर्बेंस का कारण है कि वो पति उसको बोलता है दवाई खा लो। पति क्या बोलता है, उसको कुछ कमजोरी रहती है तो पति बोलता है थोड़ा क्या खा लो, बेचारा पति 4 बार बोल देता दवाई खा लो, उसके लिए वो डिस्टर्ब कि हमको इतना मत बोलो, हमको इतना, हम बोले बाबा अच्छा ही कर रहा है, बोल रहा है दवाई खा लो, खराब कर रहा है क्या, उसके लिए हमको क्यों बोलते हैं, हम खा लेंगे। मतलब बेचारा पति प्रेम से दवाई खाने बोला, उसके लिए माता जी क्या हो जा रही है, गुस्सा, ये कोई कारण है गुस्सा होने, किसी का पति मारता है पीटता तो अलग बात है, तो बेचारा पूछ रहा है कि थोड़ा दवाई खा लो, तो बोला छोड़ दो नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, बीमार होगी अपने देखेगी, मतलब कोई बीमार होते मेरे ऊपर गिरती है ना, बोलते नहीं नहीं हम खा लेते हैं हम, बोला भाई ठीक है भाई, 2 घंटा उसको समझाने में लगा, बिना मतलब का झगड़ा, क्या बोलते हैं,
एक पति पत्नी आपस में बहुत अच्छा प्रेम करते थे। पति IIT से था, 1.5 लाख रुपये महीना कमाता था 2006 में। तो एक दिन घर आया तो पति पत्नी उसी के लिए खाना बना रहे थे। अब आके चिल्लाने लगा, हम बोलते तुमको, तुम मेरा बात सुनती क्यों नहीं? बोले क्या हो गया? इतना दिन से बोल रहे हैं हमको ये तुम्हारा बाल का तेल पसंद नहीं। उसका ही माथा गर्म था उस दिन, इसका ही माथा गर्म था, ये भी चिल्लाने लगा, बोलता मेरा बाप मना नहीं किया, तुम क्यों मना करता है? तो तुम्हारा बाप मना किया लेकिन हम तुम हमारा पत्नी है, करना पड़ेगा। तो हम नहीं करेगा, तुम डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर हम अभी दुर्गा पूजा कर देंगे, समझ बेलन सब हमारे पास अस्त्र फस्त्र यहीं पर है, समझ रहे? तुम सुनेगा नहीं हमारा, बोले जो करना हटो तुम, हटो यहाँ से। तो रोज हल्ला करते रहता था। तो अभी क्या हुआ, देखा हल्ला बंद हो गया, क्या हो गया, लड़की देखी हल्का क्या हो गया, तो हमेशा चुटुट कुटुट करते रहता है। तो रूम में गई तो था नहीं, बालकनी में देखी है नहीं, सीढ़ी में गई उसका छोटा बच्चा अच्छा मेरा वो भी नहीं, घबरा के गया किधर। तो एकदम डर के मारे जब बालकनी में गई तो बालकनी से जब नीचे देखी तो देखी 7 फ्लोर नीचे, 7 फ्लोर नीचे एक बड़ी लाश और एक छोटी लाश। अब उसको समझ में आ गया कि गुस्सा में क्या हुआ, पागल हो गया, और इसने बच्चे को, अब बच्चे को फेंकने के बाद होश आया कि मैं क्या कर दिया, अब जिस बच्चे से प्रेम करता उसी को फेंक दिया, तो भी कूद के मर गया। पत्नी सोची मैं काहे के लिए थोड़ा सह नहीं ली, मेरे कारण पति बच्चा मर गया, वो भी कूद के मर गया। तो कलयुग में छोटी छोटी बात से क्या होता है, पागल कर ली। सच्ची घटनाएं बता रहा, छोटी छोटी बातों के लिए क्या करते हैं। एक पिताजी ने बेटे को, रात दिन पबजी खेल रहा था, तो पिताजी बोले मत खेलो, सुन नहीं रहा, तो पिताजी ने थोड़ा सा इंटरनेट काट दिया कि रात भर ही खाएगा नहीं, सोएगा नहीं। तो उसको इतना गुस्सा चढ़ा कि मेरा मैच बंद कर दिए, उसने तलवार ले गला काट दिया। हैदराबाद की कथा, न्यूज़पेपर में आया था। तो कलयुग में लोग पागल हो जाएंगे मन से। तो नारद मुनि पूछे आपके पास क्या सॉल्यूशन है ब्रह्मा जी, माला है हमारे पास नहीं, माला कहाँ है, माला गाड़ी में, हाँ कैसे। तो नारद मुनि ने बोला, पूछा ब्रह्मा जी से कि कलयुग के लोग तो क्या है ऐसे छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा करते, सॉल्यूशन क्या है? तो ब्रह्मा जी ने बोला, इति षोडश नाम नाम कली कलमस नाशनम, कि मैं आपको 16 शब्दों का मंत्र दे रहा हूँ, कली के कलमस को काट देगा। क्या मंत्र है? मैं बोला हरे कृष्णा, बोले सब लोग हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो बोला 16 शब्दों का मंत्र कली कलमस नाश, कली के कलमस को क्या करेगा। इसलिए जो भी भगवान का मंत्र लेता है, बहुत सारे मंत्र हैं, समझ रहे हैं आप, गणेश जी का मंत्र कर सकते हैं, शिव जी का मंत्र कर सकते हैं, लक्ष्मी का, दुर्गा का, इंद्र का, चंद्र का, वायु का, विष्णु का, नारायण का, लेकिन कलयुग के लिए तारक मंत्र क्या है, ये महामंत्र। हमने और बहुत सारे मंत्र जप किए लेकिन ये सिद्ध मंत्र, समझ रहे हैं क्या है मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। तो रोज अगर आप 5 मिनट भी अगर, समझ रहे हैं, ध्यानपूर्वक इसमें मनन करेंगे तो आप देखेंगे कलयुग का कलमस आपको प्रभावित, समझ रहे हैं। तो सब लोग क्या करना चाहिए, 5 मिनट रोज समय देना चाहिए, समझ रहे हैं। तो अभी आप लोग सब लोग सीधे बैठ जाएं, सब लोग एक बार सीधे बैठ जाएं, गहरी सांस लें, अब 5 मिनट तक हम लोग इस मंत्र का जप करेंगे, ठीक है। और कोई मंत्र का पूरा फायदा उठाना है इस मंत्र का, पद्म पुराण बताता है, क्या बताता है, पद्म पुराण बोलता है मनः, मन जो है मंत्र में होना चाहिए और मंत्र मन में होना चाहिए, मन किस में होना चाहिए। तो 5 मिनट तक आप सब चिंताओं से मुक्त हो जाए, अब आप और केवल भगवान, ठीक है ना, केवल आप और। तो हमारे पास अभी माला नहीं है लेकिन हम लोग एक माला करने का प्रयास करेंगे, 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे।
ठीक है। तो आठ स्तर होते हैं नाम जप के, कितने स्तर होते हैं? पहले स्तर को बोलते हैं यम, क्या बोलते हैं? दूसरे स्तर को नियम, तीसरा स्तर आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा है ध्यान। ध्यान मतलब 12 सेकंड के लिए आप कुछ नहीं, केवल भगवान भगवान भगवान। उससे और गहरा स्तर को बोलते हैं धारणा, जिसमें भगवान को आप धारण कर लेते हैं, वो करीबन 2-2.5 मिनट तक आपको केवल भगवान और कुछ नहीं। और समाधि में आपको भगवान के दर्शन होने लगते हैं, वो होता है करीबन आधे घंटा। कितना? कि आधे घंटे तक भगवान छोड़ के और कुछ नहीं, समझ रहे? तो वो, लेकिन हम लोग का भी वो लेवल नहीं। हम लोग जैसे ही भगवान का नाम जप करते मन इधर उधर चल जाता है कि नहीं? तो हमें प्रयास करना है अभी 10 मिनट तक कि मन को बार बार किस में लाएं? भगवान के नामों में जोर जोर से जप करना है। कल्लू का तारक मंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। सब लोग सीधे बैठ जाएं और साथ साथ हम लोग कोरस में जप करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं हरे कृष्णा और आप हरे राम, ठीक है? सब लोग रेडी है? और 500 साल पहले इसी चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली मंत्र जप करने के लिए, बहुत सारे गुरु सबको मंत्र नहीं देते जब तक शुद्ध होता नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने दया करके सबको ये मंत्र दे। इसलिए एक मेरे पीछे मेरे मंत्र बोलिए, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्या नंदा श्री अद्वैत गदाधा शिवासादी गौर भक्त विंदा। अभी ध्यान पूर्वक हम लोग जप करेंगे जोर जोर से, ठीक है? कोरस में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कितना हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे रे, हरे कृष्ण 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 हरे रे, हरे राम राम हरे रे, हरे कृष्ण 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 हरे रे, हरे राम राम हरे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम रे, हरे कृष्ण हरे रे, हरे राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम रे, हरे कृष्ण 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 हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण 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 हरे रे, हरे राम रे, हरे कृष्ण हरे रे, हरे राम रे, हरे कृष्ण 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 हरे रे, हरे राम रे, हरे कृष्ण 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 हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण 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 हरे रे, हरे राम रे, हरे राम रे, हरे कृष्ण 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 हरे रे, हरे राम रे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण 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 हरे रे, हरे राम रे, हरे 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 कृष्ण हरे रे, हरे राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम रे, हरे कृष्ण हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम राम रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रे, हरे राम रे,
सब लोग हाथ जोड़िए, बोलिए जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा। सब लोग को अच्छा लगा? कभी हमने 10 मिनट क्या किया भगवान में अपने मन को? लेकिन आपको कैसा लग रहा है अभी? हाँ, और आप ध्यान पूर्वक भगवान में मन लगाएंगे, लगेगा मन पूरा साफ हो गया। जैसे स्नान करने के बाद मन क्या होता है, नहाने के बाद शरीर शुद्ध हो जाता है ना, वैसे मंत्र करने मन त्रायत शरीर को स्नान करने के लिए क्या करना पड़ता है, नहाना पड़ता, लेकिन मन को स्नान करने क्या करना, मंत्र। कपड़े में आप साबुन सरफ लगाते हैं सब गंदगी, वैसे मन को साफ करना तो रोज क्या करना पड़ेगा, मंत्र उच्चारण ध्यान पूर्वक महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, दिव्य शक्ति। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस मंत्र को कहीं पर भी बैठ के आप रोज प्रयास कीजिए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। क्या मंत्र है, क्या मंत्र है? वेरी गुड। आप माला करते हैं, कितनी माला करते हैं? वेरी गुड, रोज 10 माला करते हैं। मिनिमम 6 माला करते हैं। वेरी गुड, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। हाँ, और गीता पढ़ते हैं? कौन सा अध्याय पढ़े अभी? हाँ, आज क्या पढ़े थे? क्या पढ़े याद होगा ना, इसलिए एक डायरी पेन रखिए। क्या रखिए? जो पढ़ते हैं हमारे, 2 पेज पढ़े तो 1-2 लाइन लिख लीजिए क्या ये समझो, तो उससे क्या होगा मन में, लिखने से वो थोड़ा सी चीज़ें, जैसे हम लोग रोज सुनता हूँ मैं गुरुजी से सुबह सुबह, तो मैं लिख लेता हूँ, तो लिखने से क्या होता है चेहरे चीज़ें समझ रहे, तो उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो आप 6 माला करते तो उसको 8 माला कीजिए। कितना माला करना है, कम से कम, ज़्यादा भी करते कम से कम 8 माला, ठीक है? आप 5 माला करते हैं, कितने दिन से कर रहे हैं 5 माला? हाँ, 2 दिन से उसको 5, अभी 5 ही कीजिए। और गीता पढ़ते हैं, कौन सा अध्याय पढ़? हाँ, 22 पेज पढ़े, तो अभी अभी भूमिका में आप, अभी गीता चालू नहीं की, भूमिका पढ़, ठीक है? अच्छी बात, रोज 2 पेज पढ़े, नियम से कीजिए।
समझेगा तो पढ़ना चाहिए, अब एकदम नहीं समझेगा तो क्या फायदा। समझ रहे हैं? कौन से क्लास में पढ़ सकता है? समझ रहे हैं? अब पढ़ना ही चाहिए बच्चों, देखिए पढ़ेगा तो एटलीस्ट संस्कार आएगा। मैं माँ को दिया था 2005 में, तो एक बार पढ़ी बोले कुछ समझ में नहीं, कुछ समझ में नहीं, अच्छे संस्कार बैठे, मन शांत लगने लगा, तो बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों को भी सिखाइए। आप माला करते हैं कितनी? 11। वेरी गुड। गीता पढ़ते हैं कौन सा अध्याय?